चलिए सो फाइनली आई थिंक इट विल वर्क पढ़ाई रुकेगा नहीं. सो वेलकम टू द सीए फाउंडेशन जून 2022 रिवीजन फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज नेक्स्ट 7 to 8 hours टुडे अराउंड 3.5 एंड टुमारो अनदर 3.5 7 to 8 hours ऑफ योर रिवीजन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द कैपेबिलिटीज रिलेटेड एंड रिक्वायर्ड फॉर योर सीए फाउंडेशन 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स एंड बीसी के. बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू ये रिविजन है पुनः अभ्यास. अगर आपका विजन ही नहीं है तो आप किसी YouTube वीडियो को देख के आ गए कि कैसे सीए फाउंडेशन पास करें मात्र 7 घंटे में. तो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम टाइप्स, तो आप गलत जगह हैं. इस वीडियो को लॉग आउट कर ले, ये वीडियो आपके काम का नहीं है. क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े और उनकी खास खास बातें क्या है. ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पढ़ाई की हो. इट इज रिविजन, इट्स नॉट विजन. ओके सो लेट्स गेट गोइंग ऑन टू इट. आपका साथ में स्टडी मटेरियल या मेरे दिए हुए नोट्स अगर साथ में है तो पैरेलली सब कुछ सीक्वेंशियली चलेगा उसमें से. ओके नहीं तो दिस स्लाइड्स आर ऑलमोस्ट वेरी मच सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग. सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इनटू दिस. सो शुरू करें. आवाज नहीं आई, शुरू करें? हाँ ग्रेट. चलिए तो अब आप और हम इकोनॉमिक्स बीसीके की जब बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल होता है, ऑफन अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट और बोथ. इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम्स एंड आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. यस और नो? ओके जस्ट अ सेक, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग हियर. नो प्रॉब्लम्स. आई विल ट्राई. ओके इट्स नॉट वर्किंग हियर. Finally it's coming up. अभी चलेगा, अभी सब चलेगा. चलो ठीक है. So whether economics is a science or an art, sir, it's a science as well as an art. Science while studying the problem, art while solving the problem. So study of employment is a science, but framing suitable policies for reducing the extent of unemployment is an art. Positive and normative science. Economics is both a positive and normative science. Positive में it tells you the facts as it is. Normative में it tells you how things should be. Correct. It gives you what is. मतलब it doesn't gives you a value judgment. Positive science doesn't gives you a value judgment. But normative science talks about value judgments की क्या होना चाहिए. बराबर. So positive and normative दोनों में ये word ध्यान रखना. Value judgment वाला इससे MCQ बनता है. इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड का बात किया था. इंडक्टिव मेथड के अंदर हम बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल. डिडक्टिव में चलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर. डिडक्टिव मेथड के 2-3 नाम और थे क्योंकि हम एक बेस अजम्पशन लेते हैं. तो इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल एंड प्रायरी मेथड. हेलो. और इंडक्टिव में यू स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड देन कम टू अ कंक्लूजन. पर्टिकुलर टू जनरल. हेलो. ओके सर. इसके बाद महान महान लोगों की डेफिनेशंस. महान महान लोगों की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हमारे पास. तो उसमें सबसे पहली इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन? एडम स्मिथ. इंसानियत के पिताजी कौन? एडम और ईव. याद है ऐसा कुछ? तो इंसानियत के पिताजी भी एडम और ईव माने जाते हैं एज पर क्रिश्चियनिटी. तो वैसे इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन? अब बड़े हैं, सबसे बड़े हैं. तो वो एक दो जनों की बात करेंगे, पूरे दुनिया की बात करेंगे? इंक्वायरी इंटू द वेल्थ ऑफ नेशंस. दुनिया के इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं तो बड़े लेवल पे बात करेंगे. इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन इज कॉल्ड फ्रॉम एडम स्मिथ. बराबर. जे बी से, एस फॉर से, एस फॉर साइंस.
S for say, S for science, science which deals with wealth. M for Marshall, M for material well-being. It's on one side a study of wealth and on another more important side a part of study of man, material well-being. Whatever. Niche after the range of our inquiry becomes restricted on that part of social welfare. That can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. Measuring rod of money bole to paisa. P for pigu, P for paisa. Measuring rod of money. P for pigu, P for paisa. तीन प्रकार की. अच्छा इसके अंदर एक और वो था हेनरी स्मिथ करके था, हेनरी स्मिथ और सैम्युअलसन थे. एस फॉर सैम्युअलसन, एस फॉर सोसाइटी. और हेनरी स्मिथ में हाउ वो एच 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 चलता है हेनरी स्मिथ में, तो वो याद रखना हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू गिव. देन वो जो है ना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं, वो हाउ टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द सोसाइटी. एच फॉर हेनरी, एच फॉर हाउ, एस फॉर सैम्युअलसन, एस फॉर सोसाइटी. और फिर एक महान इकोनॉमिस्ट आते हैं आपके मेरे सामने जो बोलते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू. वाह क्या बात है. ये वो वाले इकोनॉमिस्ट हैं जो बस आई गए अंदर, तो वो जेकब वाइनर हैं. वो जेकब वाइनर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू. ठीक है, तो ये महान महान लोगों की डेफिनेशन अगर वो आइडेंटिफाई करने को अपने से पूछे तो तीन टाइप की इकोनॉमी आती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं. मुझे पैसा है प्यारा प्यारा, ये सबसे है न्यारा न्यारा. अंकल स्क्रूज इज अ कार्टून कैरेक्टर, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम डिज्नी, ही इज ऑब्सेस्ड विद मनी. उसका तहखाने में बहुत सारे पैसे होते, वो तैर के गिन के आता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं. सो कैपिटलिज्म में कुछ खास बात है. नंबर वन, देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम टू चॉइस बाय द कंज्यूमर, प्रॉफिट मोटिव, कॉम्पिटिशन फुल लेवल, एंड देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. अमीर गरीब में फर्क पड़ेगा. सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन विच इज डीलिंग विद कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स, ट्रेडिंग फर्म्स रिमेन इन प्राइवेट हैंड्स. इट इज कॉल्ड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. इसका दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी. हेलो, ओके. तो सोशलिज्म में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मेनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्मॉल थिंग्स आर गिवन टू द प्राइवेट प्लेयर्स. Equality of income will be there. Range of choice is limited by planned production. Relative equality of income is an important feature. Price mechanism exists, but it has a secondary role. Capitalist का एक नाम और है market economy. और वहां main role price mechanism का होता है. Hello? Okay. फिर आती mixed economy. Mixed economy का कोई image नहीं है available. तो सब चीज mix है, तो मैं भेलपूरी ले आया. यही सही था, मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा. बराबर. तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो सबसे पहले को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. सेकंड, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, दैट इज विच इज गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एंड डेफिनेट इकोनॉमिक प्लान. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड. पिछड़े इलाकों को भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ आगे वाले इलाके भी आगे जाएंगे, बट सबका ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी. Public sector enterprises may be located in backward region as to ensure its development. Dual system of pricing would exist. आपको राशन की दुकान से भी अनाज मिलेगा और नॉर्मल दुकान से भी मिलेगा. फ्री पानी का प्याऊ मिलेगा, तो 20 रुपए की बिस्लरी की बॉटल भी मिलेगी. अन्नशाला, भोजनशाला, भंडारे, लंगर मिलेंगे, तो साथ साथ बुफे डिनर्स भी मिलेंगे, आपको बुफे लंच भी मिलेंगे. यस और नो? सो मिक्स्ड इकोनॉमी. बराबर. फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक के जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए आपके मेरे. लॉ ऑफ डिमांड. What is the law of demand says? Other things remaining constant, if the price goes up, the quantity demanded comes down. If the price goes down, the quantity demanded goes up. Demand is a flow. It's not a store. Hello? So the relationship between price and demand is inverse. Barabar? Factors which determine demand are, number one, price of the commodity. There is an inverse relationship between price and commodity. Higher the price, lower the demand. Lower the price, higher the demand. Complementary goods and substitute goods. सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वन यूज विथ अनदर. हम बने, तुम बने एक यूजर के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. तो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, तो डिमांड फॉर व्हीकल इज कमिंग डाउन. प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग डाउन, द डिमांड फॉर व्हीकल इज गोइंग अप. सो द रिलेशनशिप इज इनवर्स.
substitute goods. If the price of Coca-Cola is going up, the demand for Pepsi is going up. If the price of Coca-Cola is coming down, the demand for Pepsi is coming down. So the relationship is direct or inverse? Sorry? Direct. Level of income of household. There is a relationship between income and household. Yes or no? Higher the income, higher the demand. What kind of goods? Normal, inferior or luxury? Only luxury or normal? And what about inferior goods? Inferior goods demand goes up with the increased income or comes down? Higher the income, lower the demand. Inferior goods. Higher the income, higher the demand. Normal and luxury goods. Income elasticity of normal goods will be up to 1. And income elasticity of luxury goods will be more than 1. I for inferior, I for income. Remember that. All inferior goods are given goods. Yes or no? All inferior goods are given goods. All given goods are inferior goods. Barabar? Great. Taste and preference of consumers. Higher the taste preference and fashion, higher will be the demand. Direct relationship. Population or demand ka direct relationship hai ya qualitative hai? Sir, because usme size of population, composition of population or distribution of income sabko check karna padega. Haan ya na? Okay. So law of demand अपने को पढ़ाया. Other things remaining constant का एक Latin और Greek phrase है, वो कौन सा है? Ceteris paribus. बराबर. Demand schedule is tabular presentation of quantities demanded at various levels of price, and then that demand schedule when plotted on a curve is called demand curve. Market demand schedule is combined demand of various customers put into a schedule is market demand schedule, and that market demand curve when plot, sorry, market demand schedule when plotted on a graph will be called market demand curve. Hello? Okay. Why does law of demand operate? Mang ka niyam lagu kyon hota hai? Jab prices girte hain to customers attract hote hain. Customers attract kis basis par hote hain? Sir, substitution effect, income effect and arrival of new customers. Hello? Substitution effect में क्या होता है? Your product becomes सस्ता और महंगा या relatively सस्ता महंगा as compared to your substitutes. Correct. And income effect, does the money in your pocket increases or the purchasing power increases? Huh? Purchasing power increases. बोलो साहब, clear? Okay. ये एक diagram है जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करा है, पर वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट को समझाने के लिए बड़ा अच्छा डायग्राम है. एक बार आप इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे. देखो डायग्राम में, यहां से ध्यान दो, प्राइस $2 से $1 हुआ, ठीक है? तब $2 से $1 हुआ तो डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? इस डिमांड को बढ़ाने में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का हाथ है, इनकम इफेक्ट का हाथ है, या दोनों का है? ये देखो 5 से 9, 9 से 12, तो मतलब ये जितनी बड़ी है डिमांड, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है और इनकम इफेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है. यस और नो? बोलो साहब, ये बात समझ में आई? ओके. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? सर, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आर मल्टीपल एंड मेनी. कॉन्स्पिकुअस गुड्स के दो चार नाम. कॉन्स्पिकुअस गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलेन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, लग्जरी गुड्स, और कौन से थे? हो गया पूरे? स्नॉब, वेबलेन, प्रेस्टीज, कॉन्स्पिकुअस गुड्स, लग्जरी गुड्स, ठीक है ना? हाँ. गिफन गुड्स आर प्राइस पॉजिटिव और प्राइस नेगेटिव? हाँ सर, प्राइस पॉजिटिव. गिफन गुड्स में जनरली वो होते हैं जो जनरली इंफीरियर होते हैं, बट उसमें नेसेसिटी का नेचर होता है. हेलो. गिफन गुड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ exceptions to the law of demand. Conspicuous necessities. Sir, luxury की वो चीजें जो आपको necessity बना के बताई जाए तो conspicuous necessities कहलाती हैं. Future expectation about prices. Sir, if you are having an expectation कि आने वाले समय में prices तो और बढ़ने वाले हैं, so what will you do? Right now you will purchase more at a higher price because आपको लग रहा है आगे और बढ़ने वाला है. लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट अ कंज्यूमर इज रैशनल एंड इंटेलिजेंट. हर बार आदमी सोच समझ के खरीदी करता है क्या? नहीं. समटाइम्स वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ प्राइसेस. जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है हमें बिल्कुल अच्छे से याद है. अच्छा, कॉन्स्पिकुअस गुड्स नीचे वापस आ गया है, बात कर ली हमने. स्पेक्युलेटिव गुड्स जिसमें सट्टा होता है. 2-3 महीने पहले तक बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहे थे, बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी फिल्म सेलिब्रिटीज.
आपको बोल रही थी वजीर एक्स पे पैसा लगाओ, कॉइन डीसीएक्स पे पैसा लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, कहां है वो लोग? बिटकॉइन हैज फॉलन बाय 70%, स्टिल गोइंग वो डाउन, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब आपने इतने दिन क्या करा? स्पेक्यूलेशन। कहां गए वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो रोज आपको अपनी स्क्रीन दिखाते थे आज मैंने इतने पैसे बनाए? ये सिक्के से चले गए पैसे सबके। स्टॉक मार्केट ने मजे ले ली। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, डिमांड फॉर नेसेसिटीज में प्राइसेस ज्यादा होंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी या नहीं? हाँ या ना? ओके, तो ये था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर आइए इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ माय क्वेश्चन इज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू प्राइस और अदर देन प्राइस? सॉरी, एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड अदर देन प्राइस, बराबर। सो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, हेलो, एंड इंक्रीज डिक्रीज इज शिफ्ट ऑफ कर्व। व्हेन आई एम सेइंग चेंज इन डिमांड, इट इज प्राइस और अदर फैक्टर्स? When I am saying change in demand, it is other factors. And when I am saying change in quantity demanded, Great, very good. तो ये increase decrease demand एक बार देख लो, screen पे देखो, yes बोलो, ये वाला हो गया तो मैं आगे लेके चलूं। इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड किन किन कारणों से हो सकता है? सारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं ना प्राइस के अलावा, वो सब इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चेंज इन इनकम से इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़े तो भी फर्क पड़ सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स से, चेंज इन टेस्ट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड में प्राइस के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो सब अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में जाएंगे, उनसे शिफ्ट ऑफ कर्व होगा और प्राइस के कारण मूवमेंट ऑन द सेम कर्व होगा। ग्रेट, हम फिर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस व्हाट? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सिर्फ इलास्टिसिटी वर्ड था, फिर उसके बाद आया वर्ड प्राइस। नहीं, पहले तो सिर्फ इलास्टिसिटी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन थिंग ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब मैं उसको वापस बोलता हूं, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड due to change in one of the various factors affecting it is elasticity of demand. अब बोलता हूं, the degree of responsiveness of change in demand due to change in price is called price elasticity of demand. हाँ या ना? तो formula था percentage change in demand upon percentage change in price. So delta Q upon Q into P upon delta P. ये basic formula है, इसी का हमने arc elasticity version क्या सीखा था? सर, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, याद आया? ये आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब वेरिएशंस छोटे हो या बड़े हो। बड़े का मतलब नंबर्स में या परसेंटेज टर्म्स में? 100 से 105 हुआ बड़ा वेरिएशन है या छोटा है? 1 से 4 हुआ, सर परसेंटेज टर्म्स में 300% है, आया ना? सो रिमेंबर दैट व्हेन द वेरिएशंस आर लार्ज यू विल यूज आर्क इलास्टिसिटी। अच्छा, दूसरी बात, ये प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में मॉड लगाना है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में मॉड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? बड़ा होता है -3 और -1.5, कौन बड़ा है ज्यादा? -3 आपके मेरे हिसाब से, बट मैथमेटिकली बड़ा कौन है?
-1.5, तो अगर मॉड लगा दूं तो ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, अब कौन बड़ा है? ये बात मैं क्लास के अंदर जब इलास्टिसिटी का चार्ट बनवाता हूं तो उसके बाद लिखवाता भी हूं नीचे अलग से पॉइंट्स के तौर पे, आप भूल रहे हो। प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी इन मॉड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहली प्राइस इलास्टिसिटी थी परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। या यूं कहूं परफेक्टली इलास्टिक, इस पे इनफाइनाइट की जगह परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकता हूं। सर परफेक्टली इन इलास्टिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंज देयर विल बी अ डिमांड। हेलो, सो देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन प्राइस। तो यहां बनेगा पैरेलल टू y एक्स, सर y एक्सिस बराबर। यूनिट इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा बनेगा? नेगेटिवली स्लोप्ड, और उसका एक मैथमेटिकल नेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बराबर, इलास्टिक का स्लोप ब्रॉड होगा या स्टीप होगा? ब्रॉड होगा, दिख रहा है? ऑनलाइन पढ़ाई का असर, तो घर पे बैठ के मैं मेरे हिसाब से पाल लूंगा, ले बिंडी। इनइलास्टिक स्टीप कर्व एंड देन परफेक्टली इलास्टिक विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हेलो, ये एक और आया, देखो अभी जागे। एग्जाम में कौन से मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है? एक काम करना, बाहर निकलना, मुझे फोन लगाना, मैं बता दूंगा। अभी समझाया मैंने क्लास में, जब वेरिएशंस बड़े हो तो आर्क इलास्टिसिटी यूज होगी। क्लास के अंदर पहले ही बोल चुका हूं, इट्स अ स्मार्टफोन काइंड ऑफ अ थिंग। एक रेगुलर फोन और एक स्मार्टफोन है, कौन सा फोन यूज करोगे? स्मार्टफोन। तो बेटर फॉर्मूला है आर्क इलास्टिसिटी, तो आर्क इलास्टिसिटी से ही जाओगे। सुधरो भाई। सर अभी है 15-20 दिन, हम भी आरसीबी जैसे हैं, दूसरों के रहमो करम पे क्वालिफायर में आएंगे फिर मुंह काला करके जाएंगे। मुंबई वाला रोहित उसको बोलेगा शर्म कर, तो अब छोड़ ही दे। मतलब आप बताओ, मुंबई वालों ने उनको अंदर भेजा, उनकी भी इज्जत नहीं रखी बेंगलोर वालों ने। तुम भी आरसीबी जैसे बैठे रहो, अभी तो टाइम है, देखते हैं, अभी पंचायत का सीजन निपटा लेते हैं पहले। पीयर प्रेशर है, फिर पृथ्वीराज चौहान आ रही है ना, पढ़ाई का क्या है? वेब सीरीज साल में एक बार, अटेम्प्ट का क्या है? दो बार। बताओ, इतनी मेहनत, 250 क्वेश्चन करने के बावजूद अगर बेसिक आंसर में गलतियां आ रही हैं, तो भगवान ही मालिक है भाई। वो बच्ची बोल रही है, आप आज भी फर्स्ट डे जैसी बात कर रहे हो, तो क्या करूं, नहीं करूं? याद तो दिलाना पड़ेगा ना, गलतियां कर रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। चलो, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी। आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो आपकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इलास्टिक। अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, इनइलास्टिक होगी। अगर वो कमोडिटी आपके बजट में नेसेसिटी नेचर की है तो डिमांड इनइलास्टिक। अगर आपके बजट में वो चीज बहुत छोटा सा हिस्सा लिए हुए है, मतलब आपके टोटल खर्चे का छोटा सा हिस्सा है, तो आप उसकी डिमांड इलास्टिक है इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। मेरा किराने का सामान का खर्च, महीने की 50,000 कमाई मेरे पापा की, किराने का खर्च 5,000, 50,000 की कमाई 1,00,000 हो जाए या 50,000 की कमाई 25,000 हो जाए, किराने का खर्च तो वही रहेगा। सो एनीथिंग विच हैज अ स्मॉल पोर्शन इन योर अर्निंग्स ओ इन योर एक्सपेंडिचर, द डिमांड फॉर दैट विल बी इन इलास्टिक। ये दोनों चीज मैंने पापा की इनकम के हिसाब से समझाई है, भूल गए? महीने का किराने के खर्च वाला एग्जाम्पल याद आया? मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी, दूध और मोबाइल फोन के मल्टीपल यूजेस है, तो जितने सस्ते होंगे डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी या बहुत ज्यादा बढ़ेगी? टाइट डिमांड। ये कौन सी है? कपड़ों पे व्हाइट हो तो टाइट हो, चौंक गए, वो वाली है। सर टाइट डिमांड आर डिमांड कनेक्टेड विद ईच अदर, वन गुड इज प्राइमरी, अदर गुड इज सेकेंडरी। हेलो, द सेकेंडरी गुड्स डजंट हैव इट्स ओन प्राइस इलास्टिसिटी, इट इज टाइड अप टू द डिमांड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द मेन प्रोडक्ट। हेलो, प्राइस रेंज, वेरी हाई रेंज गुड्स डिमांड इज इनइलास्टिक एंड वेरी लो रेंज
goods demand is also inelastic. Hello? Okay. So total outlay method. This method will not give you the answer ki exact kitna hai, but it will say it is elastic or inelastic. Expenditure on goods is related to the price of goods. Therefore, we can say that if the expenditure changes proportionately with the change in prices, then it will be unit elastic. Price ghata, to number of units bada gaya, kharcha same. Unit elastic price bada, to units kam hoga, kharcha same. Unit elastic. Or agar price more than proportionate badhta hai, more than proportionate badhta hai, kharcha agar more than proportionate badhta hai, to elasticity more than 1. खर्चा लेस देन प्रोपोर्शनेट जाता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1. उसके बाद आए थे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. हेलो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो सर दैट विल बी अ डायरेक्ट रिलेशन और एन इनवर्स रिलेशन. ऑलवेज डायरेक्ट या कैन बी इनवर्स ऑल्सो. सो थ्री कैटेगरीज आंसर यू विल गेट इन. इधर इट विल बी लेस देन 1, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, or up to 1, that will be called normal goods. If it is more than 1, that will be called luxury goods. And if there is an inverse relationship, answer is coming out as negative, that will be called as inferior goods. Hello? Acha, isme mod lagaun kya? Lagana hai kya mod? Sir, mod not needed. Kyun nahi? Sir, isliye nahi ki agar isme mod lagaoge, to aapko pata kaise chalega? आपको पता कैसे चलेगा ये गुड्स इंफीरियर हैं या नॉर्मल हैं या लग्जरी हैं? बराबर ये रहते हैं. नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, लग्जरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. फिर आई थी प्राइस हो गई, इनकम हो गई, क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था? एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा मतलब सर क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. हेलो, याद आया? सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. सर व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इफेक्ट इन द डिमांड ऑफ द अदर देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स. सर एक का प्राइस अप तो दूसरे की डिमांड डाउन, एक का प्राइस डाउन तो दूसरे की डिमांड अप. हेलो, तो रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री में होता है ये. हाँ, तो हायर द प्राइस, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड घट रही है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट एंड पॉजिटिव आएगा. हेलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ में क्या होगा? एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड कम होगी, एक का प्राइस कम होगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो रिलेशनशिप कैसा मिलेगा? हाँ, इनवर्स. हाँ या ना? ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सर अगर आपके गुड्स दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट. हेलो, और अगर फिक्स प्रपोर्शन में यूज होना है तो उनके बीच में कोई क्रॉस इलास्टिसिटी है? साथ में यूज होंगे. So the cross elasticity between them is zero. Samajna, if I am using a car, then it hardly matters ki petrol ka daam kya hai. Aisa nahi ho sakta ki main car aadha rasta chalaun aur aadha rasta dhakka lagaun. So that means my cross elasticity towards price is zero now, price of petrol. Because I have to use the petrol because petrol may become expensive. And substitutes agar perfect nahi hai, तो पॉजिटिव तो आ सकता है बट इनफाइनाइट आंसर नहीं आ सकता. ये याद है? नॉट सो परफेक्ट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला कैसा चार्ट बना हुआ है आपके नोट्स पे. हेलो, एक सवाल का जवाब दो मेरे को. इसमें भी फॉर्मूला आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा, पर डिमांड इस बार एक्स की होगी, प्राइस इस बार वाई का होगा. इसमें मॉड लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मॉड लगाना है क्या इसमें? सर मॉड लगाओगे तो क्या होगा? सारे आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे, और सारे आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हम इसको लागू नहीं करेंगे. यस और नो? ओके, ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन. हाँ, फिर आया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी.
या ना सर, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के अंदर आप जितना ज्यादा खर्चा करते हो तो डिमांड प्रॉम्प्ट तो होती है, होती है कि नहीं होती है डिमांड प्रॉम्प्ट? हेलो सर, डिमांड प्रॉम्प्ट तो होती है, तो फिर उसके लिए क्या करें सर? व्हेन द डिमांड गेट्स प्रॉम्प्टेड व्हाट यू डू, द डिमांड विल इंक्रीज द मोर यू स्पेंड। जितना खर्चा मैंने एडवर्टाइजमेंट पे करा डिमांड उतनी ही बढ़ी, तो क्या आएगी इलास्टिसिटी? वन, जितना खर्चा करा डिमांड उससे कम बढ़ी, लेस देन वन इन इलास्टिक। जितना खर्चा करा एडवर्टाइजमेंट पे उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई, जितना डिमांड पे खर्चा करा उतनी ही डिमांड, जितना खर्चा करा एड पे उतनी ही बढ़ी, और एड पे खर्चा करा पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, जी जीरो बराबर। तो जीरो नहीं, ये देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड अभी भी वही है, बट चेंज इन स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग होगा। ये पिछले साल से मॉड्यूल में इंसर्टेड है, ध्यान रखना कि ये आप पढ़ के जाएं, इस पे प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा ना मॉड्यूल में है या कहीं है, बट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो ध्यान रखना, जनरली एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा आपको, इनवर्स रिलेशनशिप मिलने वाला है नहीं इसमें आपको। हेलो, ये कुछ इस प्रकार से होगा, पर ये चारों मेरे सामने पढ़ लो। आगे चलें। हेलो, ओके, व्हेन टू यूज विच इलास्टिसिटी, आप लोगों जैसे लोगों के सवाल लोगों के लिए ऐसी स्लाइड बना के लाया था, मुझे बिल्कुल भरोसा था कि लोग पूछेंगे सब बातें। सर मतलब आपको पता था कि आपने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूजन वाले, बिल्कुल। आर्क इलास्टिसिटी विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज हायर इन परसेंटेज टर्म्स, पहला। पॉइंट इलास्टिसिटी विल बी यूज व्हेन देयर इज अ वेरी माइनर चेंज इन द प्राइस और क्वांटिटी, अगर एक कार कंपनी अपने प्राइस से 200-250 रुपए से बदले तो कौन सा वाला यूज होगा? सर पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होगा, बराबर। एक तार फंस गई, आज अलग ही संकट है सब चीजों पर, पर मैं रुकेगा नहीं, पढ़ा के रहेगा। चलिए, मॉड विल अप्लाई ओनली इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी टू रिमूव द इंपैक्ट ऑफ नेगेटिव साइन, बराबर। आर्क इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑल्सो व्हेन द चेंजेस आर बिग इन, मेरे ख्याल से इस स्लाइड से शांति आ जानी चाहिए आपके दिमाग को, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑलमोस्ट 80-90 बच्चे हैं, तो बताओ भैया कहाँ है अभी, क्लियर सबको? वाह, एक तो मुशायरे में बैठा हुआ है, वहां बैठ के बोला सुभान अल्लाह, वाह भाई, रिवीजन है मुशायरा नहीं है, गलत चैनल सब्सक्राइब कर लिया तुमने। और कहते ना, गांव बसानी और लुटेरे पहले तैयार, उधर से आ गए। ये स्लाइड कब भेजोगे अब उसको, कौन समझाए? ये तमाम स्लाइड ऑलरेडी इकोनॉमिक्स ऐप के रिवीजन उस पर रखी हुई है,
ऐप खोलनी पड़ेगी ना काका। राम जाने कौन सी ऐप खोल के क्या क्या डाउनलोड कर रहा है एचटी में। चलो डिमांड के छोटे छोटे डिस्टिंक्शंस और हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसको आप कंज्यूम करते हो, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा बार यूज हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते। डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड मतलब किसी और चीज के कारण उसकी डिमांड हो, जैसे पेट्रोल की डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड, तभी आती है जब आपके पास व्हीकल हो। आप अकेले पैदल पैदल तो कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और मुंह खोल खोले ला एक लीटर पिला दे, तो पेट्रोल डाल के बोलता है कितने किलोमीटर चल रहे हो एक लीटर में। ऐसा तो होता नहीं है, जब तक गाड़ी नहीं हो पेट्रोल पंप जाते नहीं हो। सो डिराइव डिमांड इज डिराइव फ्रॉम समथिंग एल्स। ऑटोनोमस डिमांड खुद आ जाती है, भूख हमको लग ही जाती है, करेक्ट। तो अब यहां पर बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं, मॉड्यूल ने भी बोला है, मैं भी बोल रहा हूं, डिराइव्ड और ऑटोनोमस की डेफिनेशन 100% क्लियर नहीं है। बच्चा आर्ग्यू करते हुए आ जाता है, बोलता है ऑटोनोमस कैसे हुई, काम करोगे तो ही तो भूख लगेगी, काम करने के कारण भूख लगती है, तो डिराइव्ड और ऑटोनोमस में यह कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, इसको लेके ज्यादा लोड ना ले। इंडस्ट्री डिमांड मीन्स वन इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दोस चेंज, कंपनी डिमांड इज वन पर्टिकुलर कंपनी। राइट नाउ सेमी कंडक्टर चिप्स की डिमांड इंडस्ट्री मांग कर रही है या एक कंपनी? हाँ सर, इंडस्ट्री कर रही है। और कंपनी के अंदर कंपनी डिमांड मतलब कोई भी एक कंपनी जब डिमांड कर रही हो, यस और नो? हाँ वृद्धि, इन केस एक जेन्युइन क्वेश्चन है सर, इफ इन देयर इज अ क्वेश्चन, एक मिनट में आपको इलास्टिसिटी का एक पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ सबके लिए। इन केस ऑफ बोथ द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इफ देयर इज एन आंसर, आंसर आ रहा है 4 आपका, एंड इन द ऑप्शंस इफ द आंसर -4 एंड +4 बोथ इज गिवन, विच वन टू सिलेक्ट? सिलेक्ट -4, बिकॉज मैथमेटिकली तो आंसर माइनस ही आता है ना, वो तो हम बाद में उसको मॉड डाल के बाहर करते हैं, तो बेसिकली मैथमेटिकली जो आंसर आता है वो तो नेगेटिव ही आता है, ठीक है ओके। शॉर्ट रन डिमांड मतलब क्या, बहुत समय तक रहेगी या फॉर द टाइमिंग रहेगी? और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वर्ड हम प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से जानते हैं, शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं एटलीस्ट वन फिक्स्ड, और लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल। यहां पर शॉर्ट रन उस हिसाब से है या ड्यूरेशन के हिसाब से? छोटे ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट रन डिमांड और लंबे ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग रन डिमांड। बोलो सब क्लियर? डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड है अपने इसमें। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज नोइंग और मेजरिंग द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स। अच्छा, फोरकास्टिंग और गेसिंग इज सेम और दे आर डिफरेंट? डिफरेंट। फोरकास्टिंग इज लाइक इंटेलिजेंट एनालिसिस एंड टूल्स एंड टेक्निक्स एंड देन डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, एंड गेसिंग इज मेरे मन को भाया, मैं अमाउंट बोल के आया, वैसा नहीं चलता है। सो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट सम फ्यूचर डेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स और सम रिलेटेड इवेंट्स द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट। डिमांड फोरकास्टिंग इज नो सिंपल गेसिंग, बट इट रेफर्स टू एस्टिमेटिंग डिमांड साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू फोरकास्टिंग। Yes or no? Okay. Types of forecasts. What are the various types of forecasts? Macro level forecast है और time period demand forecast है। Macro level के अंदर index of industrial production, national income, general level of employment, ये तीन चीजें। ये तीनों चीजों के बारे में BCK में भी अपन से बात करते हैं कि macro indicators होते हैं, GDP होता है, taxation होता है, interest rates होता है, tax rates होते हैं। सुना लगता है सर, क्या कहें हम। एंड बेस्ड ऑन टाइम पीरियड डिमांड फोरकास्ट में भी शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म, ये मेथड्स। अच्छा, ये डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक भी 1.5 साल पहले मॉड्यूल में इंसर्ट हुआ है, तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में पिछली बार एक या दो क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग के आए थे। एनीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ द December 21 एग्जाम्स दी होने, डिमांड फोरकास्टिंग आया था ना क्वेश्चन एक दो, वो मेथड्स पे थे। ये रहे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, बायर से जाके बात करो, बायर लॉन्ग रन सोचता है या शॉर्ट टर्म सोचता है?
एक कंपनी 5 साल की प्लानिंग बायर से बात करके कर सकती है क्या? कंपनी 2 महीने की प्लानिंग बायर से बात करके रख सकती है, बिकॉज बायर्स डोंट थिंक टू लॉन्ग। उनके पास जिंदगी में और भी बहुत प्रॉब्लम है, किसी की प्रोफाइल पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, किसी की बेबी ने किसी के बाबा ने थाया नहीं थाया, कहां बायर सर्वे में आपको कुछ बताएगा। तो सर्वे कलेक्ट, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन वेयर यू क्रिएट, उसके 2 नाम है कलेक्टिव ओपिनियन के, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच। ये क्या होता है, जो सेल्समैन होते हैं ना, वो सेल्समैन से जाके आप डिटेल लेते हैं, एंड सेल्समैन हैज द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दैट विल हेल्प। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन और मेथड होते हैं, मीन यू ब्रिंग अप द एक्सपर्ट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर एंड आस्क देम कि आपकी क्या राय है, तो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। फोर्थ इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, देयर यू हैव ट्रेंड प्रोजेक्शन, ग्राफिकल मेथड, इसका एक और नाम है फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड। अब एक ही चीज के अलग अलग नाम है, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस। आई होप यू रिमेंबर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स मतलब होता है कि सेम सिचुएशन में कैसे कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, आपको सिचुएशंस देंगे और वो चेक करेंगे कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। देन यू गो टू बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, जस्ट एज मेटेरोलॉजिस्ट यूज द बैरोमीटर टू फोरकास्ट वेदर, द इकोनॉमिस्ट यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू फोरकास्ट ट्रेंड्स इन बिजनेस एक्टिविटीज। आपको 3 ट्रेंड्स याद दिलाता हूं, 3 इंडिकेटर्स सर, वो लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। कुछ याद आ रहा है? ये लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग इंडिकेटर्स किधर हैं? बिजनेस साइकल्स में। कुछ चीजें होने के पहले से आइडिया लगने लग जाता है, तो दैट इज लीडिंग इंडिकेटर्स। कुछ चीजें होने के साथ साथ जब होता है कोइंसिडेंट, और कुछ हो जाने के बाद पता चलता है, लैगिंग इंडिकेटर्स। याद आ रहा है बेटा? ओके, तो अगर मेरे देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बुरी है या अच्छी चल रही है, सो इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर दैट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग अप। टैक्स कलेक्शन हैव कम डाउन, द इकोनॉमी गोइंग अप या कमिंग डाउन। आरबीआई ने अभी May 2022 में रेट्स बढ़ा दिए एकदम से सरप्राइजिंगली। व्हाट डज दैट रेट हाइक इंडिकेट्स, मतलब रेट इंक्रीज लीडिंग है, लैगिंग है या कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई को लगा अब इसको रोकना है, तो देखते देखते आरबीआई ने वो रेट्स को बढ़ा दिया, तो बिकम्स अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। हेलो, और लैगिंग मींस आफ्टर एवरीथिंग इज हैपेंड, मतलब तूफान के गुजरने के बाद की तबाही है वो। मैंने क्लास में तो और भी एक अलग एग्जाम्पल समझाया था, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट, वो तो ज्यादा ही याद होगा, पिघला पिघला है दिल मेरा जब से, याद आया? वो सब याद रहने वाला है, मुझे मालूम है। छिछोरेपन का भी एक पेपर होना चाहिए, उसमें अपन टॉप करेंगे सब, है ना? क्यों ऐसा होना चाहिए? ठिलवाई का भी पेपर एक हो, कितनी मीम आपको याद है, अलग अलग मीम फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए, आपका सोशल मीडिया ज्ञान कितना है। सही कि नहीं? आइए, डिमांड हो गया समाप्त, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिमांड वैसे भी लंबा चैप्टर है, टेक्स टाइम आल्सो। अब आते हैं अपन कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी, वांट, सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, दे मे नॉट बी सेम ऑलवेज। देवदास के लिए शराब नहीं, आप छोड़ो, कबीर सिंह, मैंने देवदास बोल के गलती कर दी, कबीर सिंह के लिए शराब यूजफुल थी पर उसे यूटिलिटी मिलती थी कि नहीं? हाँ सर, यूटिलिटी मिलती थी उससे, करेक्ट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2 महान लोग हमारे सामने अवतरित हुए, जिन्होंने अवतार लिया और अपने श्रीमुख से कहा, श्री श्री 1008 बाबा अल्फ्रेड मार्शल जी, जिनकी अप्रोच को मार्जिनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देने वाले थे हिक्स और एलन। याद आ गया? उसे ऑर्डिनल और मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, यस और नो? आइए सर, गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर बहुत ही अरसा हो गया ऐसा कुछ किए, एक बात बताइए, आपके सामने
सबसे पहले एक दो तीन चार पांच पांच स्कूप वाली आइसक्रीम, पहली बार ऐसा काम किसी ने करा कि नहीं आज तक। यदि चार तक किया, तीन तक किया, गुड, एट फॉर फाइव। जिंदगी में पागलपंती बहुत जरूरी है बच्ची, बहुत जरूरी है। मैं तो एक दिन ऐसा करा और ऊपर वाली आइसक्रीम गिर गई, मेरे को बचपन का से याद आ गया। तीन सेकंड तक कोई चीज खराब ना, फट से थाली में तो ऐसा बचपन में बोलते, तीन चार सेकंड में अगर कोई चीज उठा लो तो खराब नहीं होती। पैसे खुद के लगे हुए थे ना। सो अब एक बात बताओ, चिल चिलाती गर्मी में कोई आपको ऐसी आइसक्रीम दे रहा करके आप सड़प सड़प करके खा रहे हो, तो फर्स्ट वाले स्कूप पे मजा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड पे उतना आएगा या कम आएगा? थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ तक आते थे बस यार। तो जैसे जैसे आप स्कूप दर स्कूप नीचे आओगे तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ही ऑलरेडी हैज। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो, वो देखो उधर आ गए, इसको जूम मत करो। अच्छा नहीं करता हूं जूम, बस अभी तो गर्मियां चल रही। तुमने वो खाया कि नहीं, वनीला और मैंगो का कॉम्बो? नहीं खाया? आम आ रहे हैं ना सबके घरों में, आम को छिलके से काट लो, छोटे छोटे पीसेस करो, वनीला का कप लो, थोड़ा सा उसको पिघलना दो, उसमें आम के पीसेस डालो और वनीला और आम खाओ। ओ हो, ये सब मजा आता है, क्या बताऊं मैं आपको। फिर एक दूसरा एक और काम करना, रसगुल्ला होता ना व्हाइट, व्हाइट रसगुल्ला और वनीला, उसका भी कॉम्बो ट्राई करके देखना, और धमाल धमाल। और उसमें तो एक और चीज कर सकते हो, घर में हो रहा होगा चीज ग्रेट करने का कद्दूकस, तो वेनिला लो, रसगुल्ले डाल दो, रसगुल्ले से पीस करके डालो, एंड देन उसके ऊपर वो डेरी मिल्क से ऐसे ग्रेटिंग कर दो। ओहो, इसी को तो मजा कहते हैं। मुझे जो आप लोग इसे परेशान होते हो ना, अरे यार भूख लग रही मत बोलो, मुझे इससे यूटिलिटी मिलती है। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, बट सर ये यूजफुल नहीं है। तो मैंने कब बोला यूटिलिटी और यूजफुलनेस बराबर है? करेक्ट, इट्स अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट में क्या अंदर मतलब क्या है कि आई कैन एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन नंबर्स, यस और नो? यूटिलिटी कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एंड एक्सप्रेस, इट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आप में से कोई मुझे बर्गर खिला रहा था, जिस दिन पैसे ज्यादा थे तो भी बर्गर खिलाया, जिस दिन कम थे उस दिन भी मजबूरी में खिलाया, पर पना कर दिए सर अभी पैसे खत्म हो गए, याद आ रहा है कुछ? इट इग्नोर्स द सिनर्जी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द गुड्स बिटवीन देम। अगर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है वो उसको इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द सिनर्जी बिटवीन द कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ गुड्स, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सिंगल प्रोडक्ट की बात करता है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करता है? सर इट डील्स विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स शुड बी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स, एंड द यूटिलिटी ऑफ द यूटिलिटी पर रूपी ऑफ एक्स शुड बी कंपेयर्ड विद द यूटिलिटी पर रूपी ऑफ वाई। व्हिच एवर प्रोडक्ट इज गिविंग यू मोर यूटिलिटी पर रूपी, दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन। बट अगर मेरा यूटिलिटी पर रूपी एक्स का और यूटिलिटी पर रूपी वाई का बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच? हाँ सर, इट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच। बराबर, इसमें ये लाइन ध्यान रखना। अ कस्टमर विल स्पेंड हिज मनी ऑन कमोडिटीज इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी लास्ट रूपी स्पेंड वुड बी
एग्जाम में जब क्वेश्चन होंगे ना, तो कई बार ऐसा भी होगा कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन गिव्स यू व्हेन मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम टू प्रोडक्ट्स इज जीरो, या मार्जिन यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम टू प्रोडक्ट्स इज इक्वल, तो क्या होगा? मैं चार इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे बताना कौन सी वाली सही है। एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई, ये ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तीसरा, एम यू एक्स अपॉन प्राइस एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन प्राइस वाई, कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? सर थर्ड वाला, याद रहेगा? हेलो, क्या चेंज कर दो? पेन इसमें रेडी चलता है पीपीटी पे, ये लाइट बंद करें। ठीक है, एक मिनट, धीरे से इसको ऊपर कीजिए। ए पर्दे को, पर्दे को, हाँ, और वो पीछे उस तरफ स्विच बोर्ड है। एक काम करो, रुको, मैं गोलू को बुलाता हूँ, उसको स्विच बोर्ड पता है, रहने दो। कोई और गलत बटन दब गया तो सब प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। भाई के लिए, और भाई ने सारे पंखे बंद कर दिए। अब इसी को भेज वापस से, जा। मत कर, सब चालू कर दे, तू रहने दे भाई। हाँ, वो तुम्हारा ही बंद हुआ, बैठ जाओ। चल, अब तुम दोनों मिलकर धो इसको, क्या करा तुमने? एसी चल रही, क्या दिक्कत है? चलू आगे बोलू, बीच बीच पे कुछ ठीक है, लेट्स गो फर्दर। सर, कंज्यूमर सरप्लस में जितना पे करना चाहता हूं और जितना मेरे को पे करना पड़ता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? सर, कंज्यूमर सरप्लस मींस व्हाट? बेसिकली द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू पे वर्सेस द एक्चुअल पेमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, द एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे इज द इकोनॉमिक मेजर ऑफ दिस सरप्लस सैटिस्फैक्शन। सिंपली सेड, द एक्सेस ऑफ एबिलिटी टू पे वर्सेस एक्चुअल पेमेंट इज कंज्यूमर सरप्लस। ये डायग्राम आपको समझ में आता है कि नहीं? देखो, मैं किसी चीज का कंजम्पशन करूंगा तो मुझे यहां से लेके यहां तक का फायदा आएगा, उतना मैंने इसके लिए पे करा। तो ये बीच का ये जो एग्जैक्ट पोर्शन है, ये मेरा, यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल ऑफ योर सैंडविच, बिना नाश्ता खाए आ गए थे, फिर नीचे जाके सैंडविच खाया था, सैंडविच वाले ने तुमसे बोला था साहब हम मार्शल के समर्थक हैं, पहला सैंडविच 150 का, दूसरा सैंडविच 130 का, तीसरा सैंडविच 20 का, फिर आपने क्या बोला था, मुझे तो भूख ही नहीं लगी थी, कुछ याद आया? सो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो सुनो आप। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस लाइन, बिलो द प्राइस लाइन, या बिलो द प्राइस लाइन बट अबव, सॉरी, अबव द प्राइस लाइन बट बिलो द यूटिलिटी लाइन, कौन सा वाला? तीनों ऑप्शन फिर से बोलता हूं, अबव द प्राइस लाइन, बिलो द प्राइस लाइन, या बिलो द यूटिलिटी लाइन बट अबव द प्राइस लाइन, थर्ड वाला, ये आपकी यूटिलिटी जा रही है। हेलो, ये यूटिलिटी जा रही है आपके, हर यूनिट पे डिमिनिश होती हुई, और आपने कंजम्पशन तीन यूनिट्स का करा यहां तक। हेलो, आया कि नहीं आया? ये तीन यूनिट्स का कंजम्पशन करा और पे इतना करा हर यूनिट के लिए, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, यस और नो? ओके, अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है?
सर इनडिफरेंस का कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? सर ऑर्डिनल के अंदर बेस्ड ऑन मेजरिंग द यूटिलिटी है या ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस है? बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑर्डिनल ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग ऑर्डिनल, इसको देने वाले व्यक्ति का नाम एक्सन एलन, याद आ रहा है? अच्छा, तो इसके अंदर उन्होंने दो चार बातें बोली थी कि हम हमारे कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न पर रहेंगे, कि हमने एक बार जो प्रेफरेंसेस सेट कर दी है हम उसी पे काम करेंगे, हाँ या ना? The indifference property, indifference curve की properties थी चार. Number one, they are downward sloping towards right. अच्छा, indifference curve के सारे जो points होते curve पे, उस पे satisfaction अलग होता है या same होता है? Sir, all the points here on this indifference curve will give you same level of satisfaction. So first thing is they are downward sloping towards right. They are concave या convex to the origin. Sir, they are convex to the origin. They will intersect each other or they will never intersect each other. Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. Multiple indifference curves plotted on a single graph will be indifference map. Hello, एक साथ multiple curves दिखा रहा हूँ. Perfect substitute goods का indifference curve कैसा बनेगा? Sir, perfect substitute का बनेगा ऐसा L shape, negatively slope. और perfect complementary goods का बनेगा राइट एंगल एल शेप. हेलो, इधर भी एक दो जने बहके बहके उल्टी उल्टी बातें बोल रहे थे. अब भगवान करे उनके दिमाग की ट्यूबलाइट जले. इसके बाद हम आए थे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर. इंडिफरेंस के अंदर एक वर्ड पड़ा था बजट लाइन. बजट लाइन के सारे पॉइंट्स पर होने वाला खर्चा सेम है या अलग अलग है? बजट लाइन के बाहर जाऊं तो ओवर स्पेंडिंग है, बजट लाइन के अंदर जाऊंगा तो अंडर स्पेंडिंग है. बजट लाइन को जब मैं इंडिफरेंस मैप पे सुपर इम्पोज करूंगा तो बजट लाइन कितनी जगह से काट कर जाएगी? सर मल्टीपल जगहों से काटेगी, सब जगह से काटेगी या कहीं छू के भी निकलेगी? जिंदगी में हमें बहुत लोग निपटाते हैं, काटते हैं, पर छू कर तो टेंजेंट जिसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु हिंदी में, बड़ा रोमांटिक वर्ड है हिंदी में, स्पर्श बिंदु. अरे वाह, तो टेंजेंट जो बनता है तो टेंजेंट मल्टीपल पॉइंट्स पे बनेगा या सिंगल पॉइंट पे? तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा? लिमिटेड कैश में मैक्सिमम कैश, बी पर, सी पर, ए पर, ई पर या डी पर, बताओ? तो ये सी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हेलो, आया कि नहीं आया? तो ट्रेडिशनली थ्रू मॉडर्न अप्रोच. ओके, यहां तक आ जाते हैं आपका मेरा, हो गया कंज्यूमर बिहेवियर. इस पर समय भी कम लगता है, छोटा ही चैप्टर है. अब हम आ रहे हैं अगला प्रोडक्शन एनालिसिस पे. सप्लाई बाद में कर लेंगे, सप्लाई बहुत ही छोटा है, मतलब सप्लाई मजाक ही है एक तरीके से. सप्लाई की चलो मेरे को एक बेसिक डेफिनेशन बता दो. सप्लाई और सेल एक बात है क्या? क्या अलग अलग है? कौन सा वर्ड बड़ा है, सप्लाई या सेल? सप्लाई. मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, 6,000 मार्केट में बेचने के लिए ऑफर करे, मार्केट में बेच गए 5,000, 1,000 मार्केट में रखे हुए, 4,000 गोडाउन पर हैं. व्हाट इज सप्लाई? 6,000 ऑफर्ड फॉर सेल, आया ना? इसमें एक तो ये था और सप्लाई के अंदर बाकी क्या था? सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट या इनवर्स? सर डायरेक्ट है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई. वहां पर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है हमको पूरा सब कुछ. तो मान नेगेटिवली स्लोप बनेगा या पॉजिटिवली स्लोप? पॉजिटिवली स्लोप. और उसके बाद वहां पे भी मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व और शिफ्ट ऑफ कर्व है सप्लाई में जैसा डिमांड में. हेलो, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा था? मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व होगा, शिफ्ट ऑफ कर्व होगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था. एक सिर्फ टैक्स रेट्स था, टैक्स रेट्स के कारण सप्लाई कम होती है और सब्सिडी के कारण सप्लाई बढ़ती है. बराबर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बहुत सारे वेरिएशन नहीं है, सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वहां पे इनकम क्रॉस और एडवर्टाइजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो आंसर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा? मॉट लगाना पड़ेगा या जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत नहीं. फेयर इनफ, इतना ही था सप्लाई.
प्रोडक्शन में आ जाए सर. प्रोडक्शन मींस व्हाट? प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ फॉर्म टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. हाँ है ना, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक यूनिवर्सली एंड इलास्टिक इंडिविजुअली. हेलो. एंड लैंड डज नॉट गिव एनी रिजल्ट्स अनलेस ह्यूमन एफर्ट इज डन. लैंड इज अ एक्टिव फैक्टर या पैसिव फैक्टर? पैसिव फैक्टर, वेरी गुड. मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन विद एन इकोनॉमिक मोटिव इज लेबर, वेरी गुड. लेबर एंड लेबरर कैन बी सेपरेटेड और कैन नॉट बी सेपरेटेड? कैन नॉट बी सेपरेटेड. लेबर इज परमानेंट और पेरिशेबल? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स मेकिंग मोर मनी ही विल मेक मोर मनी एंड वर्क मोर और ही विल एंजॉय हिज टाइम आफ्टर मेकिंग सम मनी. सो द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग या बैकवर्ड बेंडिंग? हाँ, बैकवर्ड बेंडिंग, वेरी गुड. कैपिटल के अंदर फिर हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल है, टेंजिबल कैपिटल, इनटेंजिबल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सोशल कैपिटल. एक सोशल कैपिटल वर्ड आता है हमारे सामने, सामाजिक पूंजी. स्ट्रीट लाइट, फाउंटेन, रेलवे स्टेशन, पुलिस सर्विसेज, न्यायपालिका, ये सब तुम्हारा है, मेरा है या हम सबका है? हम सबका है. तुमको बिजली की रोशनी, जब तुम किसी बेंच पे बैठे हो पब्लिक पार्क में, निप्पा और निप्पी बैठे रहते ना, मेरे बाबू ने थाना था आया, तो वो निप्पा निप्पी को लाइट मिलेगी या निप्पा निप्पी के मम्मी पापा है उनको भी मिलेगी? सबको मिलेगी. सो देर आर थिंग्स विच आर सोशल कैपिटल. रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशन, ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी मेक फॉर सर्वाइविंग, दे ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मतलब, फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो जो पैसा आपने फिक्स एसेट खरीदने में लगाया है. और सर्कुलेटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम है. हेलो, बराबर. टेंजिबल कैपिटल मीन्स जो टेंजिबल एसेट्स में पैसा लगाया है. पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स में जो पैसा लगाया वो इनटेंजिबल कैपिटल. बोलो बच्चों, क्लियर? अच्छा, ऑल कैपिटल इज वेल्थ, यस और नो? बट ऑल वेल्थ इज कैपिटल? नो. दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज फॉर मेकिंग मोर मनी इज कॉल्ड कैपिटल. हाँ या ना? ओके. तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया. इसके बाद आता है वर्ड एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लैंड लेबर को लेकर रिस्क उठाकर कोऑर्डिनेट करके, लैंड लेबर को लेकर रिस्क उठा के कोऑर्डिनेट करके क्या करता है? बिजनेस को ऑपरेट करता है. उसके तीन फंक्शन होते हैं, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, रिस्क बेयरिंग एंड इनोवेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. रिस्क बेयरिंग, बिकॉज बाकी सब चीजें तो इंश्योर हो सकती है, बट एट द एंड की जो अनसर्टेनिटी रहती है कि माल आएगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये अनसर्टेनिटी वो अपने सर को उठा के चलता. तो बिगेस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग. बोलो साहब, क्लियर? ग्रेट सर. उसके बाद हम आए थे फिक्स फैक्टर तो वेरिएबल फैक्टर्स पे. फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या करते हैं? फिक्स फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होंगे, वेरिएबल फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होंगे, यस और नो? मैंने उल्टा बोल दिया क्या? आई एम सॉरी, वो फ्लो में निकल गया, गलती हो गई, सॉरी. जो गलती करे वो इंसान, जो माफ करे वो भगवान. माफ कर दो, शुक्र है एक जो जागरूक बैठे हुए, बाकी सब तो धुनी रमा के बैठे. चलने दो, मजा आ रहा है, पानी पी ले. हाँ जी, बोलू. फिक्स
factors are those factors which do not change with the change in production. Variable factors are those factors which change with the change in production. Barabar? Okay. Then we understood something called short duration and long duration. Very short period and long period. Very short period, all factors are fixed. Short period, at least one factor is fixed. You can increase or decrease the production up to maximum capacity. Long duration, all the factors are variable. You can change the capacity altogether. Yes or no? When I try to show a relationship between the fixed factors and variable factors and try to show the maximum possible output that can be achieved by the given set of inputs, it is called dash. Production function. Hello. Production function kya deta hai? Maximum profit, least cost, ya fir input output relationship. Minimum ya maximum. Sir, maximum output that can be achieved by a given set of inputs, that is called production function. Yes or no? Okay, it's a catalog of possibilities. Hello. Okay. अब इसी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट रन के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ऐसा कुछ याद आता है आपको? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेफर्स टू व्हाट? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेफर्स टू वेरियस विद अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स. व्हेन यू ट्राई टू इंक्रीज द वेरिएबल इनपुट्स, द इनिशियल आउटपुट विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. हेलो. तीन चीजें पढ़ाई थी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. याद आ रहा है? सर, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस. इन द फर्स्ट स्टेज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी गोज अप एंड टोटल प्रोडक्टिविटी गोज अप. ऐसा क्यों होता है? इन द बिगिनिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट अ हायर स्पीड. व्हाई? सर, इट इंक्रीज एट अ हायर स्पीड बिकॉज देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, फिक्स्ड फैक्टर्स आर अवेलेबल इन एम्पल and it increases the overall efficiency. At the end of stage 1, marginal product has already reached its highest point and started declining. First stage ends where MP is equals to AP. Hello. Second stage, AP and MP both are falling, but MP falls at a faster speed as compared to AP. When MP comes to 0, TP becomes maximum. Hello. That is the point where a rational producer will do production. Samajhdar producer will go up to stage 1 or stage 2. Hello. Ayo, kini ayo. Very good. It will go to stage 2 and the overall output will be maximum at that point of time. After that, margin productivity will become negative and total productivity will decline. Samajhdar producer will go to stage 3 or stop at stage 2. Barabar? Increasing returns means what? Jitna input dala, output usse zyada mila. Tell me one thing, marginal se average chalta hai ya average se marginal chalta hai? Jab tak mera har agla marginal pichle wale average se zyada hoga, tab tak mera average padega. Yes or no? Yaad aa raha hai? First stage ka naam kya hai? Increasing returns. Second stage ka naam kya hai? Decreasing or diminishing. Third stage ka? Negative returns. Yes or no? Ayo, kini ayo. Okay. Ek aapko Cobb-Douglas production function diya hua hai uske andar. Aapke notes mein. Ye American economy ke upar based hai. Aur wo usme ek formula banaya hai. Q is the quantity of output produced by an economy is equals to KL raised to the power A into C raised to the power L minus A. Wow, yaar sir. Achha laga sunke. Hai kya iska matlab? Q is the output, L is the quantity of labor, C is the quantity of capital, K and A are positive constants. Rational producer will do what? अब American economy में क्या होता है? सुनो आप ध्यान से. उन्होंने एक assumption लेकर, मैंने आपके yellow वाले notes में लिखा है, American economy का assumption है 3/4, 1/4. For every 1/4 increase of capital, 3/4, हाँ, for every 3/4 increase of labor, we need 1/4 increase of capital. ऐसा कुछ है उसके अंदर, check करना जरा. Come again, beta. 3/4 labor increase will require 1/4 increase in capital to increase the output in economy. Ye ab 3/4, 1/4 ka combo American economy ke hisab se hai, Indian economy ke hisab se nahi hai. To bas aap usko padh ke sun ke rakh lo, uske andar derivation ki logic ki zarurat nahi hai humko, kyunki wo American economy ka ratio hai.
बराबर। अब एक बार बताओ, वापस से पूछ रहा हूँ, स्क्रीन पे लिखा है रैशनल प्रोड्यूसर विल डू व्हाट, समझदार प्रोड्यूसर कहां तक जाएगा? स्टेज वन में रुक जाएगा? वन पे क्यों नहीं रुक रहा? वन में तो एमपी हाईएस्ट था सर, एमपी भले हाईएस्ट हो पर अभी टीपी में और बढ़ने का स्कोप है, तो वी शुड गो फर्दर। स्टेज थ्री में क्यों नहीं जाएगा सर? वहां तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई, नो पॉइंट गोइंग देयर, यस और नो? ओके। फिर आता है रिटर्न्स टू स्केल, अगर आपको याद हो तो। इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव स्पेंट व्हाइल डूइंग दिस, इट विल ऑलमोस्ट 3 lectures or 4 lectures, टुडे वी कैन रैप इट अप इन 3 to 4 minutes, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, मीन्स हम लोगों ने बैठ के डिटेल क्लासेस में टाइम पास नहीं किया है, नहीं तो एक एक स्टेज समझाने में मेहनत लगती। वी डिड ऑलमोस्ट लाइक 80 or 100 odd questions ऑन वेरिएबल प्रोपोर्शन स्पेसिफिकली। रिटर्न्स टू स्केल इज शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? लॉन्ग रन। इट विल डील विद प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी? ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड और ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, बराबर। सो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मीन्स व्हाट? द प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इफ आई इंक्रीज ऑल द इनपुट्स आर बाय 100% एंड द आउटपुट इंक्रीज बाय 120%, विच इज इट? इनपुट्स इंक्रीज बाय 100%, आउटपुट इंक्रीज बाय 120%। इंक्रीजिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? हाँ, याद रखना ये, इफ माय 100% इनपुट्स आर इंक्रीज, माय आउटपुट इंक्रीज बाय 60%। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इफ माय आउटपुट इंक्रीज, इनपुट इंक्रीज बाय 100% एंड आउटपुट इंक्रीज बाय अगेन 100%। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, बोलो साहब, यहां तक क्लियर? ओके। एक चीज मुझे छोटा सा आंसर बताओ, इफ माय वेरिएबल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 50% एंड माय प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 70%, ऑप्शन देता हूं चार, सुनना पहले। माय वेरिएबल इनपुट्स हैव इंक्रीज बाय 50%, माय आउटपुट हैज इंक्रीज बाय 70%, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अप्लाई? पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड खुशी, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नन ऑफ देम। सर रिवीजन है, क्यों मजे ले रहे हो सर? चुपचाप बोलते जाओ ना सर। Yes, answer is option number 3. It's not 1. आपने मेरे question की language नहीं सुनी ध्यान से। Variable inputs have increased and output has increased. Variable input मतलब क्या? Fixed अलग है, variable अलग है। तो मतलब मैं long run की बात कर रहा हूँ या short run की? मैंने word बोला क्या? All inputs. जब मैं word all inputs बोलूँ तो वो बोलो, नहीं तो चलेगा नहीं। आया ना, बारीकी है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का, ठीक है? अच्छा, रिटर्न्स टू स्केल में तीनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रहती है, तीनों में बढ़ती है सर? तीनों में बढ़ती है, आया ना? ओके, रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन कंप्लीट। अब एक ब्रेक ले लें क्या? तुम्हारा क्या है? तुम तो बैठे हो, मैं तो बोल रहा हूं इतनी देर से, ठीक है? सो विल टेक अ 10 minutes ब्रेक, वी मीट अगेन, ओके? ठीक है, सो 10:50 हो रहा है, अराउंड 11:05 वी विल असेंबल अगेन, ओके? 10 to 15 minute ब्रेक, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम उसको कनेक्ट कर देंगे बाद। चलिए, सो वी रिज्यूम आफ्टर अ ब्रेक। हमने प्रोडक्शन डिस्कशन कर लिया था हमारा, अब हम कॉस्ट एनालिसिस पर आ रहे हैं। सर प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप जब हम क्वांटिफाइबल टर्म्स में निकाल कर लाते हैं, द मैक्सिमम सेट ऑफ इनपुट्स विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो जनरली वो ऐसा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बनता है, उसमें ए कॉन्स्टेंट है जिसको हम फिक्स फैक्टर्स बोलते हैं और ये होते हैं वेरिएबल फैक्टर, तो इससे निकलता है आउटपुट। एम आई करेक्ट? ये फिक्स फैक्टर्स फ्री में आते हैं या कॉस्ट लगती है?
इनकी कॉस्ट को कहते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स जो लगते हैं उनकी कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों मिलकर निकल कर आती है तो टोटल कॉस्ट कहलाती है वो, यस और नो। सो जब टोटल कॉस्ट निकल कर आती है आपके मेरे सामने, सो कॉस्ट फंक्शन इज अ डिराइव्ड फंक्शन, इट इज डिराइव्ड आउट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बराबर। फिक्स कॉस्ट को जब हम डिस्प्ले करते तो स्क्रीन पे आपके सामने डायग्राम है सर, आउटपुट कितना भी करते जाओ आप, आपकी फिक्स कॉस्ट जो एक बार लगी है वही रहेगी, तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट सर। फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट एज एंड व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन इट इंक्रीजेस, सो वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन गोइंग अप। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्रिएट्स टोटल कॉस्ट, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल ऑलवेज बी सेम और लेस और मोर, हाँ सेम, विल दे इंटरसेक्ट ईच अदर सर, नेवर। ये तो रेलवे की पटरी है, बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी सेम डिस्टेंस पर, आया ना, बिकॉज इट इज नथिंग बट द सेम कर्व प्लॉटेड फ्रॉम फिक्स कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट, कर्व को वापस से प्लॉट करा है पर फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे प्लॉट करा, बेस पे प्लॉट करा, तो वो टोटल कॉस्ट बन गया, आया ना। अच्छा अब इसके अंदर एक और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट की जब बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, एज एंड व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, बट एज ए व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट विल प्योरली डिपेंड ऑन टू द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विच यू आर इन। ये वाली लाइन याद है, आई रिपीट, प्रोडक्शन विल इंक्रीज अप टू दैट पॉइंट, मतलब प्रोडक्शन विल इंक्रीज तो कॉस्ट विल इंक्रीज, बट द पॉइंट इज द कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विच यू आर इन। इफ आई एम इनटू इंक्रीजिंग रिटर्न्स माय ओवरऑल कॉस्ट विल इंक्रीज बट पर यूनिट कॉस्ट विल कम डाउन, आया ना। And if I am in diminishing returns, my overall cost will still increase, but per unit cost will come down or start going up. Start going up. Barabar? In stage of negative returns, will I do production? Sir, you will not do production in stage of negative returns. Ayana? Okay. Itni baatcheet apni ho gayi thi? Okay. Uske baad, bigger the plant, which cost will be higher? If you have a bigger automated plant, which cost will be higher? Fixed or variable? Huh? Fix. And if the plant is not too much automated, which cost will be higher? Okay. What are the different names of fixed cost? Overhead cost, uncontrollable cost, sunk cost. Hello? Overhead cost, uncontrollable cost, sunk cost, supplementary cost. Char naam hai uske. Hello? Okay. So, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा वॉट एवर कॉम्पोनेंट विच यू हैव इन द ओवरऑल कॉस्ट, सो द इफ द कॉम्पोनेंट इज मोर, फॉर एग्जाम्पल इन अ कार लोहा सबसे ज्यादा लगता है, सो इफ द कॉस्ट ऑफ आयरन गोज अप द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कार विल गो अप और कम डाउन, गो अप, बट इफ द कॉम्पोनेंट इज यूज इन वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, सो विल इज गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट टू द कॉस्ट और नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इट। स्टेबल और कॉन्स्टेंट आउटपुट सस्ता पड़ेगा या महंगा? The cost of a stable and constant output will be lower or higher? Lower. If I produce in a bigger lot, my cost per unit will be more or less? Less. याद आ रहा है? ये सब factors determining cost वाले points हैं। उसके बाद जब हम आगे आए थे, तो हमने ये बात करी थी कि सर, अगर आप fixed cost, variable cost की बात कर रहे हो, तो fixed cost, variable cost, अगर मैं total cost पे divide by output कर दूँ, तो क्या निकलता है? Average total cost. Variable cost पे divide by output करूँ तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट करूं तो याद आया, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टेल मी वन थिंग, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं फिर से इसी स्लाइड से आपको समझाता हूं। टेल मी वन थिंग नाउ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट रहेगा या चेंज होगा? कॉन्स्टेंट रहेगा और आउटपुट नीचे, तो मोर द आउटपुट मोर द फिक्स कॉस्ट या लेसर द फिक्स कॉस्ट या लेसर द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैंने वापस बोलता हूं, मोर द आउटपुट मोर द फिक्स कॉस्ट मोर द आउटपुट लेसर द फिक्स कॉस्ट या मोर द आउटपुट लेसर द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट? हाँ लेसर द
थर्ड वाला लेसर द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, बराबर ओके फिक्स द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, विल एवरेज बी जीरो, एएफसी विल बी जीरो, विल इट गो टू नेगेटिव, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप विच यू गिव टू एएफसी कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, इट विल नेवर गो जीरो एंड द शेप विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ध्यान देना स्क्रीन पे, when I increase the variable cost, when I increase the production, variable cost will increase, hello, बढ़ेगी variable cost, divide by output, तो variable cost divide by output होगा तो क्या होगा, average variable cost आएगा, average variable cost लगातार बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, या एक जैसा चलता है, या depend करता है, अगर मैं increasing returns में हूँ, तो average variable cost क्या होगा, कम होगा, diminishing returns में हूँ तो, बढ़ेगा, मतलब आप अगर मैं और यहाँ में इमेजिन करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे आएगा फिर नीचे आके ऊपर जाएगा, यस और नो, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ लूं, मतलब इफ आई डू समथिंग लाइक दिस एटीसी विल बी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं जोड़ लूंगा तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट आया ना, और वो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करेंगे सर, वो एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों का मिक्स है, एक एएफसी शुरू से लेकर आखिर तक नीचे ले जाता था, नीचे ले जाता है, नीचे ले जाएगा, एवीसी पहले नीचे ला रहा था फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इन दोनों के मिक्स से बनती है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो क्या होगा आपका एवरेज टोटल कॉस्ट पहले नीचे आएगा, स्टेबलाइज होगा और ऊपर जाएगा, एक प्रॉपर यू शेप बनेगा, हाँ या ना, आइए देखें जरा इसको, सर एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे जाता था, नीचे जाता है, नीचे जा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे आया और नीचे आके फिर ऊपर जाना चालू किया, अच्छा एवरेज को नीचे लाने वाला कौन, मार्जिनल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे लाने वाला कौन, मार्जिनल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर ले जाने वाला कौन, हर एक्स्ट्रा यूनिट बनने में जब पैसे ज्यादा लगेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, हेलो आया ना, आया कि नहीं आया, अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को बीच में से कट करते हुए जाएगा यहां से, आया ना, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है सर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट, तो इसी को मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट बोलते हैं क्या, मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू एमसी इक्वल्स टू एसी, वो डिपेंड करता है एमआरएमसी पर और जो मार्केट्स में हमको समझ में आता है, हाँ या ना, ओके ये अपन बोलते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमास, ऐसा कुछ याद आ रहा है, ओके गुड इनफ, ये हो गया हमारी डिफरेंट कॉस्ट, ठीक है, फिर हमने लॉन्ग रन भी पढ़ा था, लॉन्ग रन में हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बोला था एनवेलप शेप कर्व, बोर्ड शेप कर्व, प्लानिंग कर्व, याद आ रहा है, हेलो, लॉन्ग रन में जब हम जाते तो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर रहते हैं, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, सर ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड व्हेन ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल व्हाट हैपेंस सर, देन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, आप शुरू शुरू में पहले दिन बहुत बड़ा प्लांट लगाते हो या छोटा सा, आपको कमाता था एक दूसरे लोग आते हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता, आपको नए प्लांट पे जाना पड़ता है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, हेलो, उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगी, पर वो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट में आप हर प्लांट फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हो या उसके फुल यूटिलाइजेशन से पहले ही नए प्लांट पे जाना पड़ता है, हाँ
उसके फुल यूटिलाइजेशन से पहले ही नए प्लांट पे जाना पड़ता है, हाँ या ना? ओके ग्रेट। अब जब हम इसको करते हैं तो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाते हैं अलग अलग, लेकिन पहले वाले कर्व्स पे हमारे को मिलती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और हमको मिलता है रिड्यूसिंग कॉस्ट, और फिर जो बाद वाले कर्व्स थे आपके उसमें हमको मिल रही थी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक ऑप्टिमम पॉइंट हमको चौथे या पांचवे पर आया था, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? सर ये वाला पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट था सेंटर में। क्या ये ऑप्टिमम पॉइंट सब लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अच्छा है या वन ऑफ द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अच्छा है? एग्जैक्टली ये एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में आप लोगों के, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा है वो क्वेश्चन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पहला, या दूसरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू वेरियस लेवल्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन विच यू सिलेक्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में एक ही जगह दिख रही है, मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप सोच के देखो कि मैं इतना ही आउटपुट निकालने वाला हूं तो मेरे लिए बेस्ट प्लांट ये है, अगर मेरा आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट, और अगर मेरा आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट ये है, आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट ये है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स ओनली वन आइडियल पॉइंट ऑफ कॉस्ट या इट गिव्स यू मल्टीपल पॉइंट्स? इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन यू वुड लाइक टू डिसाइड। हेलो याद आया? ओके सो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के तीन नाम थे, कौन से बोर्ड शेप कर्व, एनवेलप शेप कर्व एंड वेरी गुड लैंडिंग कर्व, बराबर? ओके इसी में मॉडर्न अप्रोच भी आई थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है आपको मेरे को? सर मॉडर्न अप्रोच हमको और आपको ये समझाती है कि लॉन्ग रन में उन्होंने हमेशा देखा कि चीजों के दाम अगर एक बार कम हो जाते हैं तो कम होने के बाद जनरली उन्होंने उन दामों को बढ़ते हुए नहीं देखा। तो वो जो सेकेंड वाला पोर्शन था, जो राइज था, वो सेकेंड वाला पोर्शन आपको बहुत अनलाइकली मिला जगहों पर, हाँ या ना? हेलो। तो इसका मतलब क्या था कि ये कॉस्ट अपन ने ऐसा सीखा था कि सर ये ऐसा जाएगा, बट हुआ क्या वो नीचे तो आया और नीचे आने के बाद ऊपर नहीं गया, हाँ या ना? हेलो आयो कि नहीं आयो? डन। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अब अगर बच्चे पूछते हैं हमको एग्जाम में कौन सा पूछे हो तो वो एग्जाम में जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सिर्फ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। जब तक वो लोग नाम न ले मॉडर्न अप्रोच तब तक आप मान के चलिए वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का एवरेज कॉस्ट कर्व पूछ रहे हैं, ठीक है? ओके इसके बाद एक टॉपिक और था इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो सामने सामने दिखती है, आउटले कॉस्ट मतलब जिसमें जेब से पैसे जाते हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। तो बुक्स में तभी रिकॉर्ड होती है जब आप उसको पे करते हो, आज नहीं तो कल पे तो करना होगा। तो ऑल दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और आउटले कॉस्ट। फिर एक हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। आप सीए की एग्जाम दे रहे हो तो आपने बाकी करियर ऑप्शंस छोड़ दिए, तो वो करियर ऑप्शंस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप सीए की क्लासेस पढ़ रहे हो तो जो फीस पे कर रहे हो, जो स्टेशनरी यूज कर रहे हो, ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, खर्चा हो रहा है ना जेब से। ओके इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों को जोड़ के बनती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर? ओके तो अब अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताइए सेल्स में से मैं अगर एक्सपेंसेस लेस करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कौन सा प्रॉफिट है? इकोनॉमिक प्रॉफिट है या अकाउंटिंग प्रॉफिट है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को किस चीज से कंपेयर करूं तो मुझे पता चले कि मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉस हुआ है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को मैं किस चीज से कंपेयर करूं तो मुझे पता चले मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कौन सी कॉस्ट? मार्जिनल प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट से। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट से, पास्ट ईयर कहां से आ गया? अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया क्या? रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एनालिसिस,
पास्ट ईयर तो आएगा ही नहीं मेरे बच्चे। तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, सर अगर मैंने किसी चीज को काम किया और मैंने उस चीज को काम करने के लिए कुछ पुराना छोड़ा है, तो जो मैं छोड़ रहा हूं वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज, फॉर दैट आई एम लीविंग अ जॉब एंड द जॉब वॉज 7.5 लाख रुपीज, गुड चॉइस और बैड चॉइस? हाँ, गुड चॉइस और बैड चॉइस। वाई? अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इफ द आंसर इज नेगेटिव इट इज इकोनॉमिक लॉस, इफ द आंसर इज पॉजिटिव इट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। देखो सामने दिख रहा है, आया? हेलो, ओके, इसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाले अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं अपने मोबाइल ऐप के टेस्ट्स में, आप करें। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो ऑलरेडी आपके मैंने मोबाइल ऐप में 10 नहीं 20 नहीं 30 मॉक टेस्ट ले चुका हूं। बट सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है, उसमें मेरे को ये भी दिख जाता है कि कितनों ने अटेम्प्ट नहीं करे। अगर आपके घर में आपके मोबाइल फोन पर मॉक टेस्ट बन के आ रहा है और आपको सिर्फ ओपन करके टिक 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 करना है, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हो सीए? फिर स्कूल वाले प्री बोर्ड लेने के लिए इतनी हल्ला मचाते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन भी आता है इतने बजे टेस्ट है, रिमाइंडर भी देता है कि अब चालू हो रहा है, खत्म होने से पहले भी रिमाइंडर देता है कि अब 2 घंटे 3 घंटे बचे। तुम सब बिल्कुल अजगर जैसे हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना वो मजे लो, अपन तो अपने। आई एम गिविंग यू अराउंड 30 फुल कोर्स मॉक टेस्ट्स टू द बैच एबीसी। मतलब आइडियली आई एम अगेन सेइंग, आइडियली एबीसी एवरी स्टूडेंट शुड पास विद ग्रेटेस्ट ऑफ द मार्क्स, बिकॉज यू स्टार्टेड वेल इन टाइम, यू हैड इनफ ऑफ टाइम। नाउ इफ यू डोंट पास सीए एग्जाम्स इट इज प्योरली योर फॉल्ट। There is no single reason for batch A, B, C. B started post exams. They are also on the verge of completion of their syllabus. But A, B, C doesn't have a single word excuse. देखेंगे, मेरे पास तो सबके नाम batch wise है, मैं तो देख ही लूंगा। समय याद आएगा, मैं बीमार था, ऐसा था, वैसा था, कोई कुछ नहीं सुनता है। कितने ही आपने मैच जितवाए हो, आप ट्रॉफी जितवा नहीं पाए, ये विराट कोहली की असफलता थी, असफलता है, असफलता रहेगी। आपने बायलैटरल सीरीज खूब जितवाई, आप बहुत अच्छे खेले हो, नो डाउट सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की ताकत आप ही में, लेकिन यू कुडंट गेट अस द ट्रॉफी। इसका मतलब ऑन द बिग ओकेजन, ऑन द मेन डे यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार देखने को मिल गया अपने को। इसका मतलब ही डजंट हैव दैट टेम्परामेंट ऑन द लास्ट डे व्हेन ही इज अ कैप्टन, ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। सो द सेम अप्लाइज टू यू, आपने कितना प्रैक्टिस करा, क्या करा कुछ नहीं मालूम, इट हैज टू बी ऑन द डे। और उस डे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, मैं आपको बता रहा हूं, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। मत इग्नोर करो उन चीजों को, सोशल मीडिया तुमको जिस तरीके से चूस रहा है ना, किसी काम का नहीं है। सो प्रैक्टिस हार्ड, मैं यही बोल सकता हूं। चलिए लेट्स वी कम टू मार्केट्स नाउ, सो दैट विल बी द लास्ट डिस्कशन फॉर द डे। मार्केट्स देखने का टाइम बचा तो देन वील गो टू बिजनेस साइकिल्स, नहीं तो फिर वो बिजनेस साइकिल और बीसी के कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मार्केट्स में नंबर वन, मार्केट्स को मार्केट्स कहते हैं, देर शुड बी अ सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देर शुड बी अ प्रोडक्ट और सर्विस, देर शुड बी बार्गेन फॉर अ प्राइस। बार्गेन मतलब हर बार भावताव करना या वैल्यू फॉर मनी। इज प्लेस कंपलसरी फॉर अ मार्केट एट अ टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बट प्राइस वन प्रोडक्ट प्राइस शैल बी सेम फॉर ऑल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यस और नो? सर व्हेन देर इज अ डिमांड एंड सप्लाई, where demand and supply come and meet together, when the buyer is willing and able to buy and seller is willing and able to sell the agreed quantity at agreed price, this is called equilibrium. This is also called price theory. This is also called market clearing price. This is also called microeconomic theory.
ऐसे दो तीन नए नए नाम है इसके लिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात करते हैं, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट से सामने खुला हुआ, मैं आपसे चाहता हूँ रैपिड फायर आप मुझे जवाब दो, मैं आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर वन, नंबर ऑफ बायर्स सिंगल, नंबर ऑफ बायर्स फ्यू, नंबर ऑफ बायर्स मेनी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोथ, ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोली में तो चॉइस ही नहीं है ना, लॉयल्टी क्या हो गया। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यू डेवलप अ ब्रांड लॉयल्टी विद लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एंड पीपल टेंड टू यूज दैट ब्रांड। मैं जिस साबुन से नहाता हूं मैं उसी से नहाऊंगा, प्रोवाइडेड मैं नहाता हूं, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सट्रीमली डिफरेंट, मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल, मोनोपोलिस्टिक नहीं, ओलिगोपोली, नन टू सब्सटेंशियल, हाँ ओलिगोपोली। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, हाँ प्राइस मेकर, हाँ प्राइस टेकर, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व, मोनोपोली, प्राइस टेकन फ्रॉम इंडस्ट्री, परफेक्ट, पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू डी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर बट नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी बट नॉट इक्वल टू एम आर, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोथ, ए आर एम आर कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड एंड एम आर कर्व इज बाइफर इज बाइसेक्टिंग द ए आर कर्व एंड वाई एक्सेस इंटू टू इक्वल हाफ्स, मोनोपोली, ए आर एंड एम आर कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप बट द एम आर कर्व इज हैविंग अ वाइडर गैप बिटवीन ए आर कर्व एंड वाई एक्सेस, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। हेलो, याद आया? ओके ठीक है, पढ़ के देखो जरा सामने। आयो नहीं आयो? एक क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम रिलेटेड वाला अपन कर लेते हैं साथ में, इससे आपकी मेरी थॉट प्रोसेस और अच्छी हो जाएगी। इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में बेसिकली कहने को तो मार्केट का क्वेश्चन है पर डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इसके अंदर। तो वी विल डू वन क्वेश्चन टुगेदर। इन द फिगर वन दैट इज ऑन द स्क्रीन, इट रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर मार्स बार्स। मार्स क्या है? चॉकलेट है। ये मार्स ग्रह इलॉन मस्क वाला नहीं है ना। इन द इनिशियल इक्विलिब्रियम एट द इंटरसेक्शन ऑफ S1 D1 द न्यू इक्विलिब्रियम देयर इज एन इंक्रीज इन कोको प्राइसेस। तो कोको प्राइस
मार्स के लिए क्या है? चॉकलेट कैसे बनता है? कोको से, तो कोको क्या हो गया? रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई, कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस अपने आप बढ़ जाती है क्या? नहीं, तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सप्लाई कम होगी तो S1 से S3 आया ना, वो डिमांड D1 ही रहेगी। S3 D1 का पॉइंट क्या है? 3, मतलब आंसर क्या है? हाँ, 3, सो दैट इज पॉइंट A, मतलब ये वाला है ना आंसर। हेलो, वापस से फिगर वन, ये समझ में आया? रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो मेरा मार्जिन कम हुआ, मार्जिन कम हुआ तो मैंने मेरी सप्लाई कम करी। हेलो, सेकंड मार्स बार फिर से है, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट एस वन डी वन, द न्यू इक्विलिब्रियम देयर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोजेज अ टैक्स ऑन मार्स बार्स। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और गवर्नमेंट ने मार्स बार पर टैक्स लगा दिया। मार्स बार पर टैक्स लगाने से सप्लाई का क्या होगा? बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से तो लोगों के हाथ में पैसा कम गया है या ज्यादा गया है, तो डिमांड सेम रहेगी या बढ़ेगी? तो डिमांड डी वन से डी टू, सप्लाई एस वन से एस थ्री, सो डी टू एस थ्री, पॉइंट नंबर ये वाला। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, उसके बाद 78 पे करते हैं वापस एक बार। इट अगेन रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर मार्स बार्स, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट S1D1, द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ हेल्थ स्केयर अबाउट इफेक्ट द मार्स बार्स मे हैव। मार्स बार खाने से, जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीने से तकलीफ हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सो डी वन से डी थ्री, और सप्लाई वही रहेगी एस वन, तो डी थ्री एस वन इज इंटरसेक्टिंग एट सिक्स, इंटरसेक्टिंग एट सिक्स। हेलो, 79, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज मार्स बार्स, अज्यूमिंग दैट मार्स बार इज एन इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर का कनेक्शन कैसे आएगा, प्राइस से या डिमांड इनकम से? हाँ बेटा, द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ रिसेशन एंड वेजेस ऑफ वर्कर प्रोड्यूसिंग देम इज फॉलिंग। इंफीरियर गुड्स में जनरली हायर द इनकम लोअर द डिमांड, यहां इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्या होगा? डी टू एस वन, यस और नो? और रिसेशन है तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? तो डी टू एस थ्री, वंस अगेन वी गो टू पॉइंट नंबर, ये इंटरप्रिटेशन जो मैं करके दे रहा हूं आपको, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये जो लाइन लिखी है उसका इंपैक्ट क्या क्या जा रहा है। जैसे इन्फीरियर गुड है, इनकम फॉल्स, वेजेस ऑफ द वर्कर प्रोड्यूसिंग देम इज फॉलिंग, बट साथ साथ ये भी बोल रहा है ना रिसेशन है, तो रिसेशन है तो क्या होगा? मंदी होगी, मंदी होगी तो माल ज्यादा बिकेगा या कम? सप्लायर ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? करेक्ट। 80, द फिगर वन रिप्रेजेंट्स द मार्स बार मार्केट, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ एस वन डी वन, अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्स बार्स। सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो? डिमांड बढ़ेगी क्या? सर डिमांड नहीं बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, यस और नो? अगर किसी के पास पुराने मॉडल टेस्ट पेपर या कुछ रखे हों तो उसमें वो आंसर गलत दिया हुआ है मॉड्यूल का, आंसर शुड बी 0.8, और वहां पर मॉड्यूल में उसको 0.7 दिया हुआ है आंसर, वो 0.7 आ ही नहीं सकता। अगर कोई पुराने टेस्ट पेपर या सो पढ़ लो, आप अपनी कोई स्कैनर वैनर प्रैक्टिस करो तो ध्यान रखना, ये आंसर इधर सही है उधर गलत है। क्लियर? ये मार्केट्स वन के अपना इक्विलिब्रियम वाले जितने पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड हो गई अपनी बातचीत। अभी एक अगला और वो देख लेते हैं अपन। सर बिहेवियरल प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था बिहेवियरल प्रिंसिपल मार्केट्स का, वो क्या था? सर अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। हेलो, इसी पॉइंट को पकड़ के मैंने आपको डायग्राम में सिखाया था, MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC कर्व शुड कट दी MR कर्व फ्रॉम बिलो। MR MC क्या होता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने पर लगने वाला खर्चा
ज्यादा हो रहा है और पैसे मिल रहे कम है तो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, कहां तक जा सकते हैं? एम आर इक्वल्स टू एम सी तक। तो ये दोनों प्रिंसिपल उसी को बोल रहे हैं, सेकेंड वाला भी वही बात दूसरे तरीके से बोल रहा है, इट इज प्रॉफिटेबल टू एक्सपैंड आउटपुट अप टू अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यूज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड इट कैन बी कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट वेयर बोथ आर हेलो हाँ या ना क्लियर। यही पॉइंट्स हमको बार बार यूज होंगे। अब मेन पॉइंट्स ऑफ एम आर एम सी टू बी केप्ट इन माइंड, ये बहुत ध्यान से देखना है वाली स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका ध्यान चला गया, बोलू सर एम आर एम सी जब होता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म तो है, वही पॉइंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं, लॉस मिनिमाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। ऐसे कैसे सर, बना के दिखाऊंगा कि याद आ गया सर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक बार देख लो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये पी इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू डी था, आया ना? ये एमसी जब निकला यू तो यहां से आगे जाऊंगा तो क्या होगा, पर यूनिट खर्चा लगेगा ज्यादा, पैसे मिलेंगे कम, तो यहां से आगे जाना है या नहीं जाना है? ये झंडा गाड़ने वाली जगह है। अब यहां पर अगर मेरा एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है तो मेरे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है और अगर एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है तो लॉस है, मतलब मैं इसी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकता हूं और मैक्सिमम मिनिमम लॉस भी कर सकता हूं, मतलब एम आर एम सी से मुझे आगे जाना नहीं है। क्लियर? वहीं पर अभी आपको कॉस्ट एनालिसिस में मैं पढ़ा कर आया, एमसी इक्वल्स टू एसी लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट है, पर वो मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट नीचे लिखा है देखो, इट इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, करेक्ट, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट। हाँ, ये नाम में कंफ्यूज करते हैं ये लोग आपको, एफिशिएंट आउटपुट मतलब लागत कम होना, प्रॉफिटेबल आउटपुट मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना, आया ना? बट नॉट नेसेसरली मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट विच इज सीन बाय एम आर इक्वल्स टू एमसी। एक शटडाउन पॉइंट और आया होगा, एक शटडाउन कॉस्ट होती है और शटडाउन पॉइंट होता है, शटडाउन पॉइंट इज नॉट इक्वल टू शटडाउन कॉस्ट, नोट करके रख लेना ये, वो आपके यहां शटडाउन और अबेंडनमेंट कॉस्ट करके कॉन्सेप्ट है आपके नोट्स में, वहां लिख लेना, इट इज नॉट सिमिलर टू शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट लिख लो, ओपन कर लो नोट्स, ये मार्केट्स, ये कॉस्ट में मिलेगा, कॉस्ट में, कॉस्ट चैप्टर में जाओ एक मिनट, वहां शटडाउन अबेंडनमेंट कॉस्ट है बेटा, लिखना है वहां पे शटडाउन कॉस्ट, जहां लिखी है ना वहां लिखो, शटडाउन पॉइंट इज नॉट इक्वल टू शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन पॉइंट इज वेयर द वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन सेल प्राइस, तो वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन सेल प्राइस, मैं आपको याद दिलाता हूं मैंने कैसे पढ़ाया था आपको, आपको याद है मैंने कहा था मैंने आपका बिजनेस कॉपी कर लिया है, बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तो मैंने आपकी ब्रेकफास्ट वैन कॉपी कर ली थी, फिर आप और हम लड़ते लड़ते नीचे तक आए थे, फिर मैंने कहा था ये वेरिएबल कॉस्ट तक तो मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, उससे नीचे मैं कर रहा था तो आपने बोला अब हम आप ही से सामान लेके बेचने लग जाएंगे, याद आ रहा है? सो दैट इज शट डाउन पॉइंट, व्हेन योर वेरिएबल कॉस्ट गोज मोर देन योर सेल प्राइस, when variable cost goes more than your sale price you should not work, you should shut down, hello, ठीक है? क्यों हो गया?
अब जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट्स पढ़ते समय हमको बहुत मेहनत लगती है, हम एक एक कर्व समझते हैं, सब चीजें देखते हैं, अब हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए अब हम सारी बातों को इतनी सिंपल तरीके से समराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए हमको। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की खास बात क्या थी? सर उसका प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू डी था, आया ना? आप प्राइस मेकर हो या प्राइस टेकर हो? हाँ सर, प्राइस टेकर। फर्म बड़ा आप बड़े, मतलब आप बड़े हो या इंडस्ट्री बड़ी है, यू विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड स्मॉल। स्मॉल इसलिए नहीं कि साइज कम है कंपनी की, बट यू विल नॉट बी एबल टू इंपैक्ट द प्राइस इन द ओवरऑल मार्केट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सिमिलर टू सप्लायर कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? सो माई क्वेश्चन इज, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सिमिलर टू सप्लायर कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? So this sentence is incorrect. Only the rising part of marginal cost curve is similar to supply curve. Aaya na? Okay. So when you decide output kaise decide hoga, kitna produce karna hai, MRMC. Jahan MRMC pahunch gaye, wahan khade hokar jhanda gaad diya aur fir ARAC ko compare kara. To ARAC comparison se kya hoga? No profit loss ka pata chalega. If AR is more than AC, प्रॉफिट और लॉस या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एआर इज इक्वल टू एसी एंड इफ एआर इज लेस देन एसी, लॉस। बराबर? अच्छा, दिस हैपेंस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बराबर? इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन व्हाट आई कैन मेक यू कैन मेक, व्हाट वी बोथ कैन मेक अदर्स कैन मेक। तो जो मैं बनाता हूं वो सब बना सकते, जो मैं बेचता हूं वो सब बेच सकते हैं, तो होगा क्या फिर? आपको कमाई उतनी मिलेगी जितनी दूसरों को मिलती है। पर होता क्या है कि जब ज्यादा सेलर्स आते हैं मार्केट में तो सेल प्राइस नीचे आता है तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो अच्छे लेवल पर आउटपुट निकलता है। यस और नो? हाँ या ना? तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉस होगा क्या? सर कोई भी आदमी लगातार इतने साल तक लॉस क्यों करेगा? देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉफिट, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट यू विल मेक इन लॉन्ग रन इफ यू आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन? जी बेटा, normal profit. So your plants will be optimum utilized, there will be no excess capacity, but your profit earning will be normal. Yes or no? One more thing I wanted to ask in this, practical life mein perfect competition aapko kahan kahan dekhne ko milta hai? Practical life mein, real life mein aapko perfect competition kahan kahan dekhne ko milta hai? आपको क्या लगता है ये पूरी तरह से काल्पनिक है? सर स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, एज वेल एज ऑक्शन ऑफ ग्रेन्स इन द एग्रीकल्चर मार्केट, ये मैंने तीनों चीज मेरे नोट्स में लिखी है। परफेक्ट कंपटीशन जहां चालू हुआ है ना उसमें नीचे लास्ट लाइन है नोट्स में, देखो आप।
हाँ जी पर देख लिया हूं आपने, नीचे मिला आपको। हेलो नेक्स्ट वन सर, मोनोपोली, मोनोपोली में आप प्राइस टेकर हो या प्राइस मेकर? सर फर्म और इंडस्ट्री एक ही है, मैं यहां लिख सकता हूं फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, मैं प्राइस मेकर और एआर और एमआर का उस पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या नेगेटिवली स्लोप? हाँ सर नेगेटिवली स्लोप, हाँ या ना? ओके द गैप बिटवीन एआर एमआर एंड एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एंड एआर एमआर का विल बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हाँ या ना? ओके अब आप इधर भी एमआर एमसी का इंटरसेक्शन आएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो तुमने सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड करी थी एमआर एमसी से, प्राइस तो तुम्हें मार्केट से आया था। यहां जब इक्विलिब्रियम निकालोगे फर्म का तो एमआरएमसी इंटरसेक्ट करेंगे मोनोपोली के केस में, तो प्राइस डिसाइड करोगे क्वांटिटी डिसाइड करोगे या दोनों डिसाइड करोगे? सर दोनों डिसाइड करेंगे, वहां खड़े होकर फिर एआरएसी का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। एक मोनोपोलिस्ट होने के नाते जनरली आई विल प्रेफर टू हैव एआर मोर देन एसी, हेलो, रादर देन एआर इक्वल टू एसी। मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं क्या? सर हो तो सकते हैं, लेकिन फिर इतनी मेहनत करके मोनोपोली बनाई क्यों अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो, हाँ या ना? तो एआर मोर देन एसी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर महंगा हो जाए, तो आपको लॉसेस आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है मोनोपोली लॉस कैसे हो सकता है, हो सकता है। लॉन्ग रन की बात करें तो मोनोपोलिस क्या करेगा, मोनोपोलिस लॉन्ग रन में बड़े बड़े प्लांट लगा के प्रोडक्शन बढ़ाता है या जनरली नहीं करता? सर बिकॉज इफ यू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन सर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस, इफ यू हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस योर एआरएसी मार्जिन विल गेट स्क्वीज्ड ऑफ। ज्यादा माल बना लिया तो बेचने के लिए भाव गिराने पड़ेंगे, भाव गिराओगे तो मार्जिन कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा तो मजा किधर आए? हेलो आयो कि नहीं आयो? सर आयो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज नो प्रॉब्लम, मतलब वो ऐसा तो होगा नहीं, तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस को लॉस तो होएगा नहीं, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना नहीं तो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस नए प्लांट्स लगाता है या एग्जिस्टिंग प्लांट से ही चलता है? वो एग्जिस्टिंग प्लांट से ही चलता है क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम उसकी बढ़ेगी, आए ना आयो कि नहीं आयो? तो देखो लिखा है उसके अंदर प्लांट फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं होता, एक्सेस कैपेसिटी रहती है मोनोपोली के केस में, और आपको प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में मिलेंगे एआर मोर देन एसी, हाँ या ना? हेलो थक गए क्या तुम लोग? नॉट फुल्ली यूटिलाइज मतलब एक्सेस के, आपने जब क्वेश्चंस करते होगे तो बार बार यही पूछते हैं एक्सेस कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी, ये आता है कि नहीं आता है क्वेश्चंस में? विच मार्केट डजंट हैव एक्सेस कैपेसिटी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। अच्छा नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन किसका फीचर है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बराबर। अच्छा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के नंबर ऑफ सेलर कितने? सर मैनी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? सर स्लाइट, वेरी गुड। यहां पे भी फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री है क्या? सर फर्म इज नॉट इक्वल टू इंडस्ट्री, प्राइस इज इक्वल टू ए आर है, इज इक्वल टू डी है, बट इज नॉट इक्वल टू एम आर, है ना? ओके तो यहां पर जब इधर इधर उसका नाम होना चाहिए था सुपर नॉर्मल, बस तो शॉर्ट रन में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो दूसरे भी बनाते हैं, आप क्या करते हो लोगों में ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करते हो, कैसे डेवलप करते हो? थ्रू गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? तो गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यू डू दैट, हाँ या ना? ओके एंड देन तो वहां पे भी एम आर इक्वल टू एमसी से इंटरसेक्शन आएगा, और एम आर इक्वल टू एमसी से इंटरसेक्शन आएगा फिर उस पॉइंट पे खड़े होके दोनों का कंपैरिजन होगा, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी मैं क्या करूंगा? अगर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना था तो फिर मेहनत क्यों करी? ब्रांड लॉयल्टी है तो कुछ तो प्रीमियम चार्ज करो, तो जनरली विल मेक मोर प्रॉफिट एआर मोर देन एसी। शॉर्ट रन मतलब आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप गलत प्रोडक्ट्स बना दोगे तो, लॉन्ग रन में आपके साथ बहुत सारे प्लेयर्स और हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ सेलर आर मेनी,
तो अगर मैंने नींबू वाला साबुन बनाया तो दूसरा भी बना सकता, तो हम दोनों मिलकर मार्केट में जब सेल्स करेंगे तो पूरा इंडिया हमसे ही साबुन खरीदे, नॉट कंपल्सरी। और मैं अकेला दाम बढ़ाऊंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर जीत जाएगा, तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को दाम बढ़ाने नहीं देते। यस और नो? यस और नो? सो इन लॉन्ग रन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यू विल हैव नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, एंड बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल सो योर प्लांट विल नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, यू विल हैव एन एक्सेस कैपेसिटी। मैं क्लास में समझाते टाइम ये भी बोलता हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली दोनों के मिक्स से बनता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो आप उनके फीचर्स में भी देख लो तो थोड़े फीचर्स मोनोपोली के, थोड़े फीचर्स कॉम्पिटिशन के हैं। इधर देखो, इधर ए आर इक्वल टू ए सी था तो इधर भी ए आर इक्वल टू ए सी मिला है, और यहां पर एक्सेस कैपेसिटी मैच हो गई है। हेलो, हाँ या ना? ओके। इसके बाद हम आए थे ओलिगोपोली पे, तो ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स वन होते हैं या मेनी या फ्यू? आपका प्रोडक्ट दूसरों से सिमिलर भी होता है, दूसरों से डिफरेंट भी होता है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल। वहां पे इंडिविजुअल फर्म्स के प्रॉफिट लॉस निकल पाते हैं, फ्यू प्लेयर्स होने के कारण इंडस्ट्री डिमांड कम आता है, और उसमें भी एमआरएमसी ढूंढ पाते हो क्या तुम? सर एमआरएमसी नहीं ढूंढ पाते तो हम क्या करते हैं, किंग डिमांड कर्व निकलवाते हैं, और जो एक बार प्राइस किसी चीज प्रोडक्ट का फिक्स हो गया तो उसी के आसपास रहते हैं, तो प्राइस रिजिडिटी आ जाती है। यस और नो? किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज देयर एंड प्राइस रिजिडिटी इज देयर। यस और नो? ओके, इतना करा था। फिर टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली था एक हमारी, वो भी एक अच्छा खासा डिस्कशन है। तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में परफेक्ट ओलिगोपोली तब होती है जब आप होमोजीनियस प्रोडक्ट निकालते। यस और नो? परफेक्ट ओलिगोपोली इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड इज इम्परफेक्ट वेयर यू हैव सम डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ स्लाइड। जैसे वो टैल्कम पाउडर है ना, एक जना घमोरिया भगा रहा है, एक जना फूलों की खुशबू दे रहा है, एक जना वो लड़कियों को पास बुला रहा है, एक्स इफेक्ट वाला पाउडर रहता ना, वो वाइट स्टोन, तो वही। देन ओपन ओलिगोपोली में एंट्री एग्जिट इज परमिटेड, क्लोज्ड ओलिगोपोली में एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इन एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ पेट्रोल पंप्स, नॉट मच ऑफ द कंपनीज आर गिवन लाइसेंसेस, कोई भरोसा नहीं, कोई तिली विली लगा तो धड़ाम करके फूट जाए सब, इसलिए बहुत स्पेसिफिक रहता है। फिर आता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली जब मैंने समझाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉल मालाफाइड इंटेंशन। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में व्हेन पीपल गेट टुगेदर एंड ट्राई टू चार्ज अ हायर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर, इंटेंशन लूटने का होता है। मैंने एक वर्ड सीखा था बोनाफाइड और मालाफाइड, अगर आपको याद हो तो, कोल्यूसिव के अंदर मालाफाइड इंटेंशन होता है। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और कौन सी एक दो और है, ये जितने भी ई शॉपिंग नेटवर्क्स हैं, अभी मीशो, इन सब पर जांच चल रही है कि ये सब लोग मिलकर ऑनलाइन मार्केट पे जबरदस्ती के ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट्स देके मार्केट खराब कर रहे हैं। अभी वो मीशो 5-5 रुपए में सामान बेच रहा है, इसे ट्राई करा क्या? अरे वाह, अरे वाह, नहीं करा? सारा अली खान जैसी अमीर एक्ट्रेस भी खरीदने आ रही 5-5 रुपए में सामान, तुम नहीं गए? सर उसी को ले लो। ट्राई करा क्या किसी ने मीशो? ट्राई भी नहीं किया, भारी रईस लोग हो यार। वो कुछ बोल रही है, ऐसे ऐसे पर आवाज दी है, बता ना। अरे बता ही दे यार, सब मैं नहीं बताती मेरी शॉपिंग ऐसा, तो कैसे बेच रहे होंगे यार 5-5 रुपए में कोई भी चीज? ये एडवर्टाइजमेंट पे बेवकूफ बना रहे हैं। इतने डाउनलोड करके चेक करने की कोशिश करें कि वाकई में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मीशो पे भी तो है, मीशो शॉपसी, मीशो फ्लिपकार्ट का है। हाँ मतलब कुल इधर ट्राई करा? हाँ इधर आए आए दो तीन। लोकेश ठाकुर बोलते करिए शॉपिंग, अरे वेरी गुड। क्वालिटी ठीक नहीं है, रस्ते का माल सस्ते में ही मिलेगा और क्या।
तो रोड साइड चप्पल पड़ी रहती होंगी, वो आती होंगी 5-5 रुपए वहां से। हाँ मिली क्या तूने, खाई क्या? चलो सर क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा वो एक ने ईयरफोन मंगवाया तो 2 दिन में खराब हो गया, ये वो गांव में नहीं 8 बाजार में जो सामान बिकता है वहां पे भी कई बार अच्छा रहता है, ये इतना बड़ा है। चलो तो ये अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम कंपटीशन एक्ट 2002 में पढ़ने वाले हैं, कल बीसीके में पढ़ेंगे उसको। कोल्यूसी बोली को बोली बेसिकली क्या होता है, पीपल गेट टूगेदर ट्राई टू इंक्रीज प्राइसेस। अभी हमारे देश में कोल्यूसी बोली को बोली स्टील वालों की और सीमेंट वालों की चल रही है। हमारे देश के रेलवे को सॉरी हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब नाराज है स्टील वालों को और सीमेंट वालों को, बोले दाम कम करो नहीं तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा, कंस्ट्रक्शन में दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा, उसी बोलते हैं। तो इट इज कोल्यूसी ओलिगोपोली, पढ़ के देखो उस पॉइंट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और एग्जाम में उन्होंने एक आध दो बार टच किया, मैं इसे थोड़ा डीपर जा रहा हूं इसमें। हाँ जी आयो नहीं आयो, आया कोल्यूसिव ओलिगोपोली। हेलो, उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फर्म एंड द कॉम्पीट विद ईच अदर इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। सब एक दूसरे से जम के लड़ते हैं टेलीकॉम कंपनीज, अभी तो लड़ ही रही है जम के। पार्सल और फुल ओलिगोपोली, वन पर्सन इज लीडर अदर्स आर फॉलोअर्स, that is full partial oligopoly। देखिए when industry is dominated by one large firm which is considered looked upon as leader, the dominating firm will be the price leader। usually you find this in biscuit industry, Parle leads others follow, full oligopoly, the market is conspicuous by the absence of price leadership। सब अपना अपना गाना गा रहे हैं, कोई उसमें लीडर नहीं है। syndicate and organized, syndicate में बेचने का counter common होता है, मेडिकल स्टोर्स लिकर शॉप्स वो गवर्नमेंट ऑथोराइज ही होते हैं। देखो लिखा है फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ सेंट्रलाइज सिंडिकेट, जनरली यू फाइंड लिकर शॉप्स। अब सवाल उठता है सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज में अंतर क्या है। ऑर्गेनाइज में प्राइस का डिस्कशन हो जाएगा, क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, पर बेचने का काउंटर कॉमन नहीं होगा। Firms organize themselves into central association for fixing price, output, quotas, etc. But they don't decide the selling counter. तो दोनों में difference क्या है? Second last में और last में selling common और यहाँ पर selling independent। Hello, आया? नहीं आया? बराबर? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद आया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट व्हेन यू चार्ज, ये कौन से में आता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक काय में आता है? मोनोपोली में आता है। वेरी गुड, व्हेन यू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स एंड द रीजंस फॉर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इज ड्यू टू रीजंस अदर देन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा याद आ रहा है, price discrimination can be done when all the four conditions are satisfied। number one, there is monopoly power in some form, pehli baat। second, there is a possibility of market division, the elasticity of demand is different in different types of markets and the customer of one market will not come to the other market। hello ayana, ye char conditions price discrimination ki shuruaat ki hai। barabar, price discrimination ko kaise kiya gaya tha, kyunki sir hum same product banate hain, hame nahi malum hum kaun se market mein bechne wale hain, to humne ek aggregate average revenue, aggregate marginal revenue karke do curves milaye the, फिर उससे हमने मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया था और हमें क्वांटिटी मिली थी कंबाइंड, फिर हमने ग्राफ पे उस पे से
खसका के इधर लाए थे तो हमें इंडिविजुअल मार्केट्स का पता चला था कि कितना कितना करेंगे. इफ यू रिमेम्बर द एग्जांपल मैंने कहा था, डॉक्टर साहब सुबह सस्ते में पेशेंट्स देखते, शाम को महंगे में पेशेंट्स देखते. सुबह ज्यादा पेशेंट देखेंगे प्राइस कम रहेगा, शाम को कम पेशेंट देखेंगे पर प्राइस ज्यादा रहेगा. याद आ रहा है? ओके. एंड देन देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. सीक्वेंस कंपलसरी है क्या? सर सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है. अंडर द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यू ट्राई टू टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द पर्सन. सब पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस आप हटाना चाहते हो. पहला. अंडर द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही विल टेक अवे ओनली अ पार्ट. मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आपको सस्ता मिलेगा और कम क्वांटिटी होगी तो वो महंगा देगा. सो होलसेल और रिटेल. होलसेल में खरीदते हो तो कम में मिलता है, रिटेल में खरीदते हो तो, क्योंकि होलसेल में आपने क्वांटिटी ज्यादा परचेस करी और रिटेल में कम करी. थर्ड वाला था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. मल्टीप्लेक्स में इंटरमिशन के बीच में, इंटरवल के बीच में आपको पॉपकॉर्न मिले महंगे. कुल्लू मनाली में 200 रुपए की कॉपी मिली. हेलो, याद आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. सो थर्ड डिग्री इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो तीनों क्लियर? ओके. एक इस पर भी डिस्कशन होता है, एक छोटा सा पोर्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये फॉर्मूला ऐसा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस वन अपॉन ई. सर ये हमारे नोट्स में कहा है? मार्केट्स वन में बिहेवियरल प्रिंसिपल के ठीक नीचे. मिला क्या? बोलू आगे? बोलू ये ओपन किया तुमने, ये है क्या? समझा देता हूं. आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी पर. कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला छोड़ो जरा. अगर मेरी प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक है, मतलब मोर देन वन है, तो मैं जरा सा दाम कम करूंगा तो मेरे ग्राहक थोड़े से बढ़ेंगे या बहुत ज्यादा? तो मैं, क्योंकि क्या होता है सुनना, अगर मैं आज जीन्स बेच रहा हूं, पेयर ऑफ जीन्स मेरी दुकान है, तो मेरे यहां से रोज 10 पेयर ऑफ जीन्स बिक जाते हैं और मैं 2000 की एक जीन्स बेचता हूं. ठीक है? सो मेरी पर डे सेल 20,000. अगर मैं 2000 की जीन्स की प्राइस कर देता हूं 1500 और मेरी इलास्टिसिटी 2 है, तो मैंने 25% प्राइस कम करा और इलास्टिसिटी 2 है तो मेरी डिमांड 50% बढ़ जाएगी. हाँ या ना? कल तक 10 कस्टमर आ रहे थे, अब कितने आएंगे? 25% प्राइस बढ़ाया, इलास्टिसिटी 2 है तो डिमांड 50% बढ़ जाएगी. तो कल तक 10 कस्टमर आ रहे थे तो आज 20 आ जाएंगे, 15 आएंगे ना. हेलो, 1500 रुपए की जीन्स इंटू 15 जीन्स बिकेगी तो 22,500. कल तक मेरे को कितने मिल रहे थे? 20. आज कितने मिल रहे हैं? 22,500. तो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितने का मिला? 2,500 रुपए का मार्जिनल रेवेन्यू. अगर मेरी इलास्टिसिटी, मेरे बच्चों इन इलास्टिक, मेरी 2000 की जीन्स थी, 10 जीन्स रोज बेचता था तो 20,000 मिलते थे. मैंने 2000 को 1500 किया पर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 थी, तो प्लस 0.5 मतलब 0.5 मतलब 25% प्राइस बढ़ाया, डिमांड 25 × 0.5 करूंगा तो 12% बढ़ेगी, तो 10 की जगह 11-12 जींस बिकेगी. अब 12 × 1500 करूंगा तो 18,000 रुपए मिल रहे हैं. कल तक बिना सेल लगाए 20,000 मिल रहे थे, आज कितने मिल रहे हैं? तो मेरा एडिशनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया? यही कॉन्सेप्ट को समझने की कहानी इधर है. ध्यान से देखो आप जरा, कॉमन सेंस क्लियर है? अब फॉर्मूला देखो. मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AR × E-1/E.
एवरेज रेवेन्यू कुछ और नहीं, प्राइस होता है। एआर और प्राइस बराबर है ना बच्चों? हेलो, तो प्राइस इंटू ई माइनस वन, अगर मेरी इलास्टिसिटी मोर देन वन है तो क्या होगा, 1.5 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरी इलास्टिसिटी लेस देन वन होती 0.6 माइनस वन डिवाइडेड बाय 0.6, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यही तीन बातें लिखी है, इफ ई इज मोर देन वन एम आर इज पॉजिटिव, ई इज लेस देन वन एम आर इज, एंड ई इज इक्वल टू वन देन एम आर इज जीरो। हेलो, ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो कई बार बोलते बच्चा अपन ने सब क्लास में आया उसमें कवर नहीं किया था, तो वो ये है। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन भी आते हैं आपको जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, इलास्टिसिटी दिस, एम आर इज दिस, कैलकुलेट प्राइस, तो आप सोचने लग जाते हो कहां से निकालो, तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। क्लियर? ओके, हाँ, आपने मैंने बेसिक मार्केट्स को दो पार्ट्स में पढ़ा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हमने सारी कंडीशन देखी, अब आपने मेरे साथ पढ़ा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट है। हेलो, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कोई भी एक शर्त तो डिस्टर्ब होती है तो आप किधर आ जाते हो, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बोलो साहब, क्लियर? तो देखो लिखा है, इकोनॉमिक थ्योरी, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटेटिव सिचुएशन इन एनी मार्केट वेयर कंडीशन नेसेसरी फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर नॉट सेटिस्फाइड। इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर दैट डज नॉट मीट द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कुछ नाम, मोनोपोली आप जानते हो, ओलिगोपोली आप जानते हो, मोनोपोलिस्टिक जानते हो, ये तीन नए नाम है आपके मेरे सामने अभी। मोनोपसोनी, मोनोपसोनी मतलब जनरली मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपसोनी सिंगल बायर। सर ऐसा कब होता है, डिफेंस ऑफ इंडिया, रेलवे, ये सब सिंगल बायर है। तुम और मैं रेल का इंजन थोड़ी ना खरीदते, खरीद भी लोगे तो क्या करोगे, चलाओगे क्या? अब तुम बोलो मैं कल से बोफोर्स स्टॉक खरीदने जाऊंगा, टैंक खरीदूंगा, तो पहले तो तुम्हारे पास सीबीआई आएगी, आओ जरा बातें करें होपचे में, या कभी कभी बुला लेंगे सामान बेच के, आओ हमारी हवेली पे। तो मोनोपसोनी में सिंगल बायर होता है, इसी प्रकार ओलिगोपसोनी भी होता है। ओलिगोपसोनी में फ्यू बायर्स होते हैं, फ्यू बायर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के होते हैं, जैसे चॉकलेट और बिस्किट बनाने वाली कंपनियां एल्यूमिनियम फॉइल खरीदती हैं, टिन टिन कैन जो तुम ऐसा कर करके पीते हो ना हर घूंट में स्वैग, वो टिन कैंस जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी और ऑयल कंपनीज खरीदती हैं। वो तो टिन का कनस्तर बनाते 15 लीटर का डब्बा, आप और मैं खरीदते क्या टिन, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, करेक्ट? तो ओलिगोपसोनीज व्हेन देयर आर फ्यू बायर्स। फिर एक आता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब जब बायर के पास या एक व्यक्ति के पास ज्यादा जानकारी हो बजाय दूसरे के, जैसे सेकेंड हैंड कार, सुनना ध्यान से, मैं अगर अपनी सेकेंड हैंड कार बेच रहा हूं तो बायर को ज्यादा पता है या सेलर को ज्यादा पता है, तो मैं एडवांटेज उठा सकता हूं, वो पूछेगा कहीं छोकी है, नहीं, गाड़ी का इंजन कभी खुला है, नहीं, सच बोल लो विद्या रानी का सब जो झूठ है ना, बिकॉज हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या पढ़ते हैं, बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। इंफॉर्मेशन असिमेट्री मतलब वन पर्सन इज नोइंग मोर देन दी अदर वन एंड ही और शी कैन हाइड द फैक्ट्स एंड गिव अ बैड डील टू द अदर पर्सन। हेलो, समझे? सो दैट इज कॉल्ड ओलिगोपसोनी, ओ सॉरी इंफॉर्मेशन असिमेट्री। एक और वर्ड सिखाया था मैंने, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है, सिंगल बायर और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल बनाता है इंजन और खरीदता कौन है, इंडियन रेलवे, खत्म। हम और आप तो किसी काम के ही नहीं है, हम तो बैठेंगे उसमें, इंजन में बैठेंगे या डब्बे में बैठेंगे, इंजन तो आगे लेके जाएगा उसको, ठीक है? तो हम यहां तक आते आते मार्केट्स खत्म कर दिए। हेलो, अब बचा आपका बिजनेस साइकिल है, जिस प्रकार की तुम्हारी शक्लें हैं, तुम बिजनेस लायक, बिजनेस साइकिल समझने लायक हो नहीं,
इतनी कैपेसिटी तो तुम्हें पेपर देने की भी नहीं है अभी तक। सो अपन आज पॉज लेंगे, आप लोग ये नोट करके रख लो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप वाला, मैं इस पर सिर्फ व्हाट्सएप सुनूंगा, इस पर आप फोन करोगे मैं फोन नहीं उठाऊंगा, ये बता देता हूँ। व्हाट्सएप भेजिए, अब व्हाट्सएप में गलती से ऐसा मत बना सर प्लीज एक्सप्लेन मार्केट्स, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हो, सो दैट आई शैल बी एबल टू हेल्प। ठीक है, मेल भेजने का तो जमाना ही चला गया आजकल। प्लीज इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज नहीं करता हूँ। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के मेरे को टैग कर दिया, प्लीज एक्सप्लेन क्या क्या हो, मतलब एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई है, क्या है, मतलब डिसाइड तो कर लो जीवन में। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो मेरे को, ठीक है। दूसरी बात, आप एक मिनट में, वो क्या टेलीग्राम, यहां सब सीखना पड़ा है तुम लोगों के लिए, वो टेलीग्राम भी है एक मेरा, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं रहता है, बहुत सारा इक्वाइन बीसी के फॉर सीए फाउंडेशन ऐसा कुछ है ना, वो सब बनवाया तुम जैसे बच्चों ने मेरे से, इक्वाइन बीसी के सीए फाउंडेशन, हाँ इको एंड बीसी के सीए फाउंडेशन, इसमें मैं आपको रोज एकाधेका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता रहता हूं। ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला भी नाट अकेडमी के यूट्यूब पे रहेगा, और मैं इसको एनेबल करके आपके ऐप में भी दे दूंगा, आपके ऐप में इसका पीडीएफ भी आ जाएगा। कौन सा ऐप, ऐप का नाम है इकोनॉमिक्स फॉर सीएसीएस, ठीक है। कल आप इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल लाइए, उसमें बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे, और साथ साथ बीसी के भी लेके आइए, तो बीसी के भी अपन कर लेंगे। तो अपने को बीसी के में क्या है, इतनी वैरायटी है कि हर चीज अपने आप में कॉन्सेप्ट है वहां पर। तो चैप्टर 6 की टर्मिनोलॉजी कल पूरी कवर नहीं हो रही है, मैं अभी से बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचो कि मैं 200 टर्मिनोलॉजी चैप्टर 6 की बैठ के समझाऊं, वो नहीं। बट हाँ, वन चैप्टर 1 के अंदर सीखने लायक चीजें हैं, 2, 4, 5 वील डिस्कस। चैप्टर 3 के अंदर की पॉइंट्स का एक समरी नोट बनाया, वो दे दूंगा मैं आपको। और 6 की टर्मिनोलॉजी में जो भी, जिसमें आपको डाउट्स हो वो मुझसे पूछ लेना, मतलब आप घर पे आज ब्राउज कर लेना, कहीं डाउट हो कि सर ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हुई। जैसे एक दो मैं बता देता हूँ, वो आउट ऑफ द मार्केट सेटलमेंट, और एक वो बदला ट्रेडिंग, बास्केट ट्रेडिंग, ऐसे 2-3 टर्मिनोलॉजी जो थोड़े अजीब लगते हैं, बट मेजोरिटी शुड बी क्लियर टू यू। कल लिख के ले आना, मतलब निकाल के ले आना, तो वो आखिरी में करूंगा मैं आपके हाथ की जो इंडिविजुअल 1-to-1 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल भी आइएगा, अपने दोस्तों यारों को भी लाइएगा, और अच्छे से सो के आइएगा।